आइए हम सब खामोशी और संजीदगी इख्तियार करें और मेरी दरख्वास्त होगी कि जब हम खुदावंद की इबादत और प्रस्तिश करते हैं तो बराए मेहरबानी अपने मोबाइल फ़ोन उसको साइलेंट पर लगाएं, अगर आप साइलेंट नहीं कर सकते तो उसे ऑफ कर दें, क्योंकि ये इबादत बड़ी अहम इबादत है जिसमें हम अपने भाई को याद करेंगे और उसके साथ हम खुदावंद के कलाम को भी सुनेंगे और अपनी ज़िंदगियों पर भी गौर करेंगे। तो आप सबसे इल्तमास है कि इबादती माहौल को बरकरार रखते हुए अपने मोबाइल फ़ोन्स बंद कर दें और आपस में गुफ्तगू भी ना करें। आपकी तवज्जो और आपका ध्यान आज की सुबह में जब आप खुदावंद के घर में मौजूद हैं खुदावंद की तरफ हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे अज़ीज़ भाई शफीक कल सुबह खुदावंद ने उन्हें अपने पास वापस बुला लिया, तो उनके इस दुनिया से इंतकाल कर जाने के बायस उनके ख़ानदान के अफराद बिलखसूस उनकी बीवी हमारी बहन, बेटा और बेटियां, भाई बहनें, अज़ीज़ो क़ारब और दोस्त वो सब गम की हालत में हैं। तो मेरे अज़ीज़ो, ये इबादत जो ऐसे मौक़ों पर की जाती हैं, खुदावंद की इबादत जिसमें हम शामिल होते हैं, जिसमें जनाजा की इबादत है, रस्म जनाजा है, या मेमोरियल सर्विस या शुक्रगुजारी की इबादत, जब हम इसमें शामिल होते हैं तो इसमें शामिल होने का मकसद ये होता है कि हम खुदावंद से तसल्ली और इत्मीनान को हासिल कर सकें। आए हम सब अपनी तवज्जो खुदावंद की तरफ लगाएंगे। इबादत के आगाज़ में हम खुदावंद के कलाम की तलावत को सुनेंगे। कलाम खुदा में से ज़बूर की किताब ज़बूर 90, मर्द खुदा मूसा की दुआ। या रब, पुश्त दर पुश्त तू ही हमारी पनाहगाह रहा है, इससे पेशतर के पहाड़ पैदा हुए या ज़मीन और दुनिया को तूने बनाया, अजल से अब तक तू ही खुदा है। तू इंसान को फिर खाक में मिला देता है और फरमाता है, ऐ बनी आदम लौट आओ, क्योंकि तेरी नज़र में हजार बरस ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो गुजर गया और जैसे रात का एक पहर। तू उनको गोया सैलाब से बहा ले जाता है, वो नींद की एक झपकी की मानिद हैं, वो सुबह को उगने वाली घास की मानिद हैं, वो सुबह को लहलहाती और बढ़ती है, वो शाम को कटती और सूख जाती है, क्योंकि हम तेरे कहर से फना हो गए और तेरे गजब से परेशान हुए। तूने हमारी बदकिरदारी को अपने सामने रखा और हमारे पोशीदा गुनाहों को अपने चेहरे की रोशनी में, क्योंकि हमारे तमाम दिन तेरे कहर में गुजरे। हमारी उम्र ख्याल की तरह जाती रहती है, हमारी उम्र की मियाद 70 बरस है, या कुवत हो तो 80 बरस, तो भी उनकी रौनक महज मुशक्कत और गम है, क्योंकि वो जल्द जाती रहती और हम उड़ जाते हैं। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो, आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को खुदावंद के हुजूर में बंद करें, अपने सर खुदावंद के हुजूर में झुकाएंगे। आज की सुबह जब हम इस जगह पर इसलिए मौजूद हैं ताकि हम भाई शफीक के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकें और भाई शफीक की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर, वो रिश्ते जिसमें खुदावंद का ये बंदा जुड़ा हुआ था, उन रिश्तों से हम भाई शफीक के बारे में सुन सकें, हम खुदावंद की तारीफ़ कर सकें, ख़ानदान की तसल्ली और इत्मीनान के लिए दुआ कर सकें और उसके साथ सबसे बढ़कर हम कलाम मुकद्दस में से अपने लिए तसल्ली हासिल कर सकें। हम चंद लम्हात खामोशी और संजीदगी में अपने दिलों में खुदावंद से दुआ करेंगे। मेरी फिर इल्तमास है कि बराए मेहरबानी अपने मोबाइल फ़ोन
साइलेंट पर लगाए, हम इबादत में आए हैं। इबादत में किसी तौर पर हमारी कोई भी गुफ्तगु ना हो, शोर ना हो। एक संजीदा इबादत है जिसमें हम अपने भाई को जो इस दुनिया से चले गए याद कर रहे हैं। आपसे इल्तमास है कि खामोशी और संजीदगी इख्तियार किए हुए हम अपने दिलों में इस ख़ानदान के लिए तसल्ली और इत्मीनान की दुआ करेंगे। अगर कोई बच्चा आपके साथ मौजूद है, आपका आपकी बच्चों में से हैं, तो बराए मेहरबानी थोड़ी देर के लिए उन्हें बाहर ले जाएं ताकि इबादत में किसी तौर पर खलल पैदा ना हो। हम अपने अपने दिलों में बहन शबनम के लिए, बेटे अब्राहम के लिए, दिया के लिए, जिया के लिए, और इसी तरह भाइयों के लिए, बहनों के लिए, भतीजों भतीजियों के लिए, वो सब जो गम में हैं, उन सब के लिए अपने अपने दिल में खुदावंद से दुआ करेंगे। ऐ खुदावंद मेहरबान बाप, हम अपने आप को तेरे हजूर में लाते हैं और ऐ खुदावंद तेरी मर्जी को जो हमारी सोचों से, हमारे इरादों और हमारे मंसूबों से बढ़कर है, ऐ बाप हम तेरे लोग होते हुए उसका इकरार अपनी जिंदगी में करते हैं। ऐ खुदावंद कल का दिन जो गुजर गया और ऐ खुदावंद तूने गुजरे हुए इस दिन में अपने बंदा भाई शफी को वो हद जो ऐ बाप तूने अपने बेटे के लिए मुकरर की थी अपने पास बुला लिया, तो ऐ बाप हम मिन्नत करते हैं कि ऐ खुदावंद तू इस वक्त में ख़ानदान को, तमाम अफराद को जो ऐ खुदावंद आज की सुबह इस इबादत शुक्रगुजारी में मौजूद हैं, ऐ बाप तू तसल्ली और इत्मीनान बख्शना, और वो इत्मीनान जो ऐ खुदावंद तेरे पास है, ऐ खुदावंद वो इत्मीनान तमाम गमजदा जिंदगियों को हासिल हो। भाई शफी की जिंदगी के लिए और ऐ खुदावंद उन तमाम अयाम के लिए जो ऐ खुदावंद उसने इस रोए ज़मीन पर तेरी मर्जी के मुताबिक बसर किए, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। क्योंकि ऐ बाप हम इंसान हैं, खताएं, गुनाह, गलतियां हमसे होती हैं, लेकिन ऐ बाप तेरे इस बड़े फजल के लिए जो तूने हम पर किया कि तूने हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा और ऐ खुदावंद उसने सलीब पर जान दी और हमें ईमान की तौफीक बख्शी कि हम उस पर ईमान ला सकें, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि भाई शफीक ने भी अपनी ज़िंदगी में ऐ बाप इस इकरार को किया। और ऐ खुदावंद हम ईमान रखते हैं कि ना सिर्फ भाई शफीक बल्कि वो सब जो मसीह यीशु पर ईमान रखते और उसे अपनी ज़िंदगी में अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, ऐ खुदावंद वो आसमानी बादशाहत के वारिस होंगे। तो ऐ बाप हम मिन्नत करते और इस तसल्ली और इत्मीनान को आज के दिन में तमाम जिंदगियों के लिए मांगते हैं और मिन्नत करते हैं कि ऐ खुदावंद तेरी तसल्ली और इत्मीनान का बड़ा काम ऐ खुदावंद जिंदगियों में हो। आज की सारी इबादत में जो ऐ खुदावंद भाई के लिए उनकी यादगारी के लिए की जाती है और ऐ खुदावंद घराने की तसल्ली और इत्मीनान के लिए इस इबादत को किया जाता है, खुदावंद तो सारी इस इबादत में हमारा हादी और रहनुमा बनना। तेरे खादम के लिए जो तेरे कलाम को पेश करे, वो तमाम अजीज़ो अकारब जो इजहार ख्याल करने के लिए सामने आए, ऐ खुदावंद सब के साथ होना और ऐ खुदावंद जो कुछ भी यहाँ पर कहा जाए, जो कुछ भी बोला जाए, ऐ बाप उससे तेरे नाम को जलाल मिले। ऐ बाप हमारे साथ होना, हमारी मदद फरमाना, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते और हमेशा पा लेते हैं, आमीन। जब कोई इस दुनिया से चला जाता है, रुखसत हो जाता है, तो वो हमारे लिए अच्छी यादों को छोड़ जाता है। खुदावंद अपने कलाम में ये कहता है कि तेरे माँ बाप तुझे छोड़ जाएं लेकिन मैं तुझे कभी अकेला ना छोड़ूंगा। खुदावंद की तसल्ली तमाम ख़ानदान को, बिलखसूस हमारी बहन बच्चों को हासिल होती रहे। और बड़ा खूबसूरत ज़बूर है जो खुदावंद के कलाम में मौजूद है और हम इसे गाते भी हैं। ये ज़बूर हरगिज़ भी
इस बात के लिए हमें आगाही नहीं देता कि हम दुख के वक्त में रोएं, बल्कि ये ज़बूर हमें तसल्ली देता है कि खुदावन हमारा खुदा हमारे साथ है। ज़बूर 20 और उसका पहला हिस्सा मैं चाहूँगा कि हम सब मिलकर गाएं। दुखा दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, इज्जत तेरी वधावेगा याकूब दा खुदा। ये ज़बूर हम सबों को आता है, मिलकर खुदावन की सिताइश में ज़बूर को गाएंगे, ज़बूर के बाद दुआ होगी और इसी तरह मज़ामीर को हम गाएंगे, उसके बाद इजहार ख्याल का मौका होगा, दुआ के लिए मौका होगा। जो भी इजहार ख्याल के लिए आए बराए मेहरबानी वो तस्वीर के पास खड़े होकर, माइक यहाँ पर मौजूद होगा, आप इजहार ख्याल कर सकते हैं। उसी तरह दुआ के लिए भी जो आएंगे बराए मेहरबानी वो सामने मौजूद हों ताकि आप इजहार ख्याल कर सकें, जो भी हिस्सा आपका है आप उसे अदा कर सकें। हम सब मिलकर ज़बूर 20 उसका पहला हिस्सा गाएंगे। दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, इज्जत तेरी वधावेगा याकूब दा खुदा, इज्जत तेरी वधावेगा याकूब दा खुदा, है कल तो अपनी गले तेरे वास्ते मदद, है कल तो अपनी गले तेरे वास्ते मदद, से उन बीचो आपे संभाले तेनु सदा, से उन बीचो आपने संभाले तेनु सदा, कुर्बानी तेरी सारी करे आपे ओ कबूल, कुर्बानी तेरी सारी करे आपे ओ कबूल, ते नजरा तेरिया नूवियो याद करेगा, ते नजरा तेरिया नूवियो याद करेगा, बख्शेगा तेनु सब जो तेरे दिल दी है मुराद, बख्शेगा तेनु सब जो तेरे दिल दी है मुराद, पूरा करेगा ओ तेरा मतलब जरा जरा, पूरा करेगा ओ तेरा मतलब जरा जरा, गावागे गीत यार तेरी नजात दे, गावागे गीत यार तेरी नजात दे, झंडा करागे अपने खुदा वंदे ही दा कड़ा,
झंडा करागे अपने खुदा वंदे हीदा कड़ा दरखास्ता ओ तेरिया पूरी करे गाया दरख्वास्ता ओ तेरिया पूरी करे गाया अपनी जनाबे पाक तो या खूब दा खुदा अपनी जनाबे पाक तो या खूब दा खुदा दुखा दे वेले तेरी यावा सुने दुआ इज़्ज़त तेरी वधावेगा या कूब दा खुदा कलाम में लिखा है मुसीबत के दिन खुदावन तेरी सुने याकूब के खुदा का नाम तुझे बुलंदी पर कायम करे वो मकदस से तेरे लिए कुमक भेजे और सयून से तुझे तकवीयत बख्शे तसल्ली इत्मीनान तकवीयत खुदावन के पास मौजूद है जिसे आज हम हासिल करने के लिए खुदावन के घर में मौजूद हैं आए हम अपनी आँखों को खुदावन के हुज़ूर में बंद करें अपने सर खुदावन के हुज़ूर में झुकाएंगे इस ख़ानदान की तसल्ली और इत्मीनान के लिए जो गम की हालत में है बच्चों के लिए बहन के लिए और तमाम अजीज़ों के लिए खुदावन से तसल्ली की दुआ करेंगे मेरी दरख्वास्त है एल्डर जॉन विक्टर साहब से ब्राय मेहरबानी वो सामने आए और दुआ करने में हम सब की रहनुमाई करें आइए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे कदूस कदूस रब्बुल फाज़िल आसमान के खालिक और मालिक आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पांव तले की चौकी है फरिश्तगान तेरे हजूर कदूस कदूस पुकारते हैं क्योंकि तू ही बुजुर्गी उस्ताइश के लायक है खुदा खुदा तू कादर मुतलिक खुदा है तू हर चीज़ पर कादर है पापा आसमानी हम बड़ी आजी इंतसारी के साथ तेरे घर में मौजूद हैं ताकि हम तेरे हजूर अपने सरों को झुकाएं अपनी दरख्वास्तों को तेरे हजूर पेश करें खुदावंद खुदा हम ईमान रखते हैं कि तू यहाँ पर मौजूद है हमारी दरख्वास्तों को सुन रहा है खुदावंद खुदा याद करते हैं अपने प्यारे भाई शफीक को जिसको तूने कल अपने वक्त मुकर्रर पर अपने पास बुला लिया खुदावंद खुदा यह तेरी मर्जी हुई है तुझे पसंद आया कि तूने हमारे भाई को अपने बेटे को अपने पास बुला लिया खुदावंद खुदा आज उसकी शुक्रगुजारी की इबादत का इनकाद किया गया कि हम उनकी गुजरी हुई बातों को याद कर सकें और ख़ास कर खुदावंद खुदा हम जो इस वक्त रोए ज़मीन पर मौजूद हैं और तेरे घर में अपने सर को झुकाए हुए हैं हम अपनी ज़िंदगियों के मतलब भी सोचें और अपने आप को तैयार करें खुदावंद खुदा मैं प्यारी बहन शबनम को उनके बेटे इब्राहिम को बेटी दिया को और जिया को खुदावंद खुदा और उनके तमाम भाइयों को उनके घरानों को बेटों को बेटियों को भतीजियों को भांजियों को सबको तेरे चरणों में लाता हूँ जो खुदावंद खुदा इस वक्त गम की हालत में है गो ये बहुत बड़ा सदमा है खुदावंद खुदा तू तसल्ली और इत्मीनान तेरे पास है
क्योंकि तू ही तसल्ली और इत्मीनान का सर चश्मा है। खुदावंद खुदा, हम तेरे हजूर बड़ी आज इंकसार के साथ झुके हुए हैं, तुझसे तसल्ली और इत्मीनान मांगते हैं। खुदावंद खुदा, इस गमजदा कराना के साथ होना, खुदावंद खुदा इनको सब्र जमील अता फरमाना। खुदावंद खुदा, जितनी देर तेरा बंदा भाई शफीक ज़मीन पर रहा, खुदावंद खुदा वो तेरे नाम को धन्यवाद कहता रहा। मैं फर्दन सब के लिए तेरी तसल्ली और तेरा इत्मीनान मांगता हूँ, जो इस वक्त तेरे घर में अपने स्वरों को झुकाए हुए हैं, गमज़दा हैं। खुदावंद खुदा, तू इनको सब जमील अता करना और तेरा फजल वाला हाथ हमेशा इन पर और इनके घरानों पर ठहरा रहे, ताकि ये बेटे और बेटियां, भाई बहनें सब तेरे इरफान में बढ़ते और तरक्की करते जाएं। खुदावंद खुदा, तू इन सब के साथ होना। खसूसी तौर पर मैं बेटी शबनम के भाइयों के लिए, उनके घराना के लिए, उनकी बेटी, उनकी वालदा के लिए, जो कि इस वक्त पीरी की हालत में है, खुदावंद खुदा उनके लिए भी तेरी तसल्ली और तेरा इत्मीनान मांगता हूँ। जितने सारे इस वक्त तेरे हजूर सरनगू हैं, इन सब को तेरे चरणों में लाता हूँ। खुदावंद खुदा, तू इन सब को सब्र जमील अता करना और तेरा फजल वाला हाथ हमेशा इन सब पर ठहरा रहे। ये सब कुछ तेरा प्यारा यसू मसीह का जलाली नाम लेकर मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन। जब कोई इस दुनिया से चला जाता है, रुखसत होता है, तो बहुत सा गम हमें मिलता है, और अक्सर उकात बहुत से ईमानदार वो इस बात को सोचते हैं कि इस गम में और दुख में शायद मेरी पूरी ज़िंदगी गुजरेगी, लेकिन खुदावंद का ये वादा है कि मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। शख्सियत, जो भी शख्स दुनिया से चला जाता है, उसकी कमी कभी पूरी नहीं होती, लेकिन खुदावंद का फजल जब वो हमें ढांप लेता है, तो खुदावंद गम को तसल्ली में बदल देता है। और ऐसे मज़ामीर जब हम गाते हैं, तो ये हमें तसल्ली फराहम करते हैं। हम खुदावंद की सितायश में ज़बूर 16 गाएंगे। ऐ खुदावंद मेरे, तूहें कर रखवाली, मेरा सब भरोसा तूहें हैं रब वाली। और बड़ी अच्छी खूबसूरत आयत है इसमें कि तू मिरास है मेरी, मेरा तू प्याला, जेड़ा मेरा हिस्सा ओदा तू रखवाला। ईमानदार की मिरास आसमान पर है, आसमानी बादशाह तो उसकी मिरास है, जिसको पाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी में मसीह यसु को अपना निजात दहिंदा कबूल करें। आए हम मिलकर बावाज़ बुलंद इस ज़बूर को गाएंगे और अपने ईमान का इजहार इस ज़बूर को गाकर करेंगे। ए खुदावंद मेरे, तू कर रखवाली, ए खुदावंद मेरे, तू कर रखवाली, मेरा सब भरोसा तू है रब वाली, मेरा सब भरोसा तू है रब वाली, मेरी जान खुदानु ए हो के दिया ही, मेरी जान खुदानु ए हो के दिया ही, तेरे बाजो मेरी नहीं है भलाई, तेरे बाजो मेरी नहीं है भलाई, जो है धरती उते भला लो चंगे, जो है धरती
चंगेरा ओ ना दे नल राजी रेंदा दिल मेरा ओ ना दे नल राजी रेंदा दिल मेरा गैरा दे नल बल दे कौत करा हुण जेड़े गैरा दे नल बल दे कौत करा हुण जेड़े ओ ना दे दुख सदा वदन गे बतेरे ओ ना दे दुख सदा वदन गे बतेरे नाता पावन खून दे ओ दे तपावा ना तपा वण खून दे ओ ना दे तपावा ना मैं अपने मुँह ते ओ ना दा नालिया ना मैं अपने मुँह ते ओ ना दा नालिया तू मेरा से मेरी मेरा तू बेआला तू मेरा से मेरी मेरा तू बेआला जेड़ा मेरा ही ओ ना तू रखवाला जेड़ा मेरा ही सा ओ दा तू रखवाला था है मेरे आ गया मेरे वास्ते जेड़ा था है मेरे आ गया मेरे वास्ते जेड़ा ओ है जगा सोड़ी सुथरा ही सा मेरा ओ जगा सोड़ी सुथरा ही सामेरा ए खुदा वंद मेरे तू कर रखवाली मेरा सब भरोसा तू है रब वाली। जबूर 16 हमें तसल्ली भी देता है और उसके साथ इस जबूर में एक इंतबाह भी है, खबरदारी भी है कि अगर हम गैर मबूदों के पीछे जाते हैं, अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं करते, तो जबूर नवी से कहता है कि गैर मबूदों के पीछे जाने वालों का गम बढ़ जाएगा। ऐसी इबादत जो की जाती हैं किसी शख्स के इंतकाल के बाद, ये उसकी यादगारी में और खुदावंद की शुक्रगुजारी में की जाती हैं। हमारा मकसद आज जमा होकर अपने भाई के दर्जात को बुलंद करना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगियों पर गौर करना और उनकी जिंदगी के लिए
और उनकी बरकत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करना है जो खुदावंद ने उन्हें बख्शी अपनी ज़िंदगी में जब उन्होंने मसीह यस्सु के साथ चलने का अहद किया। खुदावंद की बरकत उन्होंने हासिल की, अच्छी बीवी, औलाद, कामयाब औलाद खुदावंद ने उन्हें बख्शी। हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करने के लिए मौजूद हैं। मेरी दरख्वास्त है कि हम सब अपनी आँखों के एक मरतबा फिर बंद करें ख़ानदान की तसली और इत्मीनान के लिए, और बिलखसूस हम दुआ करेंगे छोटे बच्चों के लिए जिस गम को अपनी ज़िंदगी में महसूस कर रहे हैं। मेरे अज़ीज़ो, हमारा इन बच्चों के पास बैठना, बातें करना ये महज वक्ती है, लेकिन हम खुदावंद की तसली और इत्मीनान इन छोटे बच्चों के लिए और अपनी बहन शबनम के लिए जिनके लिए एक लंबी ज़िंदगी पड़ी है, खुदावंद का इत्मीनान इनके लिए मांगेंगे। मेरी दरख्वास्त है भाई रियाज आशिक से कि वो सामने आएँ जो ईसा नगरी से आज की इस इबादत में शिरकत के लिए आए हैं, और वो सामने आएंगे और इस ख़ानदान के लिए खुदावंद की हजूरी में आकर दुआ करेंगे कि खुदावंद हमारी बहन को, बच्चों को तसली इत्मीनान दे और हम में से हर एक को ये तौफीक बख्शे कि हम भी अपनी ज़िंदगी के दिन गिनना सीखें। यीशु मसीह के जिंदा नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद का तख्त लगा हुआ और खुदावंद का वादा है, जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होंगे तो मैं वहां हाजिर और नाजिर हूंगा। यहां तो बहुत सारे हैं, सब सार खुदावंद की हजूरी में झुक जाएं। हालेलुया, कद्दूस कद्दूस कद्दूस, जिंदा जलाली जमीन आसमान के खालिक और मालिक, आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पाँव की चौकी। खुदावंदा बाप शुक्र गुजार इस वक्त इस घड़ी के लिए आप जो हमारी जिंदगियों में बख्शते कि हम मिलजुल कर आपके नाम की हमदोसना, आपके नाम की तारीफ करें। हालेलुया बाप शुक्र गुजार आपकी दी ही नेमतों बरकतों बख्शों के लिए, शुक्र गुजार सेहत तंदुरुस्ती के लिए, शुक्र गुजार गुजरे दिनों के लिए कि आपने हमें संभाले रखा, शुक्र गुजार गुजरी रात के लिए कि आपने हमें तमाम मुसीबतों परेशानी बुलाओं आफतों से बचा कर रखा, और एक नए सुहाने दिन के लिए शुक्र गुजार है कि जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा। बाप इस प्यार करम फजल शफकत के लिए शुक्र गुजार कि हम जैसे गंदे निकमे गुनाहगारों को अपने पास बुलाते ताकि हम आपकी बंदगी, आपकी साइश, आपकी तारीफ करें। हालेलुया बाप, ये तो आपका प्यार, आपका फजल, आपका रहम है। बाप शुक्र गुजार आपके इन मुबारक बेटों बेटियों के लिए जो आपके घर में मौजूद है। बाप आप जो हमारे नामों घरानों खानदानों का नाम बनाम जानते हैं, आपके हाथों में हमारी तस्वीरें हैं। हालेलुया तेरे शुक्र, तेरी स्थाई, तेरी तारीफ हो। बाप इन सब जिंदगियों को आपके हजूर में ले आता हूँ, आपकी स्लीप के नीचे ले आता हूँ, वो स्लीप जो आपने हमारे गुनाहों की माफी के वास्ते उठा ली ताकि हम बच जाएं। हालेलुया बाप हम उसकी तीखून के शुक्र गुजार हैं जिसने हमें बचा लिया। तेरा शुक्र, तेरी स्थाई, तेरी तारीफ हो। बाप तेरे खादमों के लिए भी आपकी शुक्र गुजारी करते हैं। बाप अपने खादमों को कसरत से इस्तेमाल कीजिए। बाप आज के जिंदा कलाम के लिए दुआ करता, जिंदा कलाम जो हमारी जिंदगी की रोटी, हमारे कदमों के लिए चिराग और राख के लिए रोशनी है। जब तेरा बंदा, तेरा खादम हमसे कलाम करे तो अपने खादम से होकर हमसे कलाम कीजिए। आज का कलाम हमारे घरानों खानदानों के लिए बायस से बरकत हो। आज के कलाम के वसीला से बतेरी जिंदगियां फल लाए। बाप मैं अपने भाई शफी के लिए दुआ करता हूँ जिसे आपने अपने वादे के मुताबिक अपने पास बुला लिया। बाप हम इंसानों की जिंदगी तो घास के फूल की मानिंद है जो जल्द गिरती और सूख जाती है। बाप हम इंसान तो इस जहान में मुसाफर और परदेसी है, हमारा असल वतन तो तेरे पास आसमानों में है। बाप हमारा ईमान, हमारा तवक्कल, भरोसा कि हमारा भाई शफीक आपके पास अबदी मकानों में मौजूद है। बाप जिसका वादा आपके बेटे यीशु ने हमसे किया कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। बाप हम आपके वादों के लिए आपके शुक्र गुजार हैं। बाप मैं अपनी भाभी के लिए, बच्चों के लिए, उनके बहन भाइयों के लिए, तमाम रिश्तेदारों और अजीजों के लिए बाप तुझसे तसल्ली की दुआ चाहता हूँ। बाप हमारी तसल्ली नहीं बल्कि अपने कलाम के वसीला से
से तसल्ली दीजिए, अपना कवि हाथ बढ़ाकर छू लीजिए और बड़ी बरकत से माला माल कीजिए। बाप गमजदा खानदान को आपके हजूर में ले आता हूँ। बाप अपना कवि हाथ बढ़ाकर उन्हें छू और बड़ी बरकतों से माला माल कीजिए। बाप आज की सारी हमदोसना आपके यहाँ बहूर की मालिक पहुंचे। बाप आज की प्रस्तुत आपके यहाँ बहूर की मालिक पहुंचे। बाप तेरा बरकतला आसमान हमेशा हम सब पर खुला रहे। अपनी नजरे क्रम को हमारे घरानों खानदानों पर हमेशा ठहराए रखिए ताकि हम आपके नाम को हमेशा इज्जत और जलाल देते रहे। बाप मुझे अपने जलाल अपने नाम की खातर और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कीजिए। नई सोचे अकले ताकत कुवत जोर अता कीजिए ताकि आपके नाम की बंदगी आपके नाम का प्रचार करता रहूं। बाप हाजर जुमात को छू बड़ी बरकतों से माला माल कीजिए। बाप इनकी तेल की कुपियों आटों की मटकों पर आपकी बरकत को चाहता हूं। बाप तेरे बेटे यसु के जन्मदिन की आमद का दिन नजदीक है। हर एक को बड़ी बरकतों से माला माल कीजिए। बाप एक बार फिर गमजदा खानदान को आपके हजूर में ले आता हूं। बाप आपके चरणों में ले आता हूं। अपना कवि हाथ बढ़ाकर छू लीजिए और बड़ी बरकत दीजिए। अपना तसल्ली इतमनान और रहम करम शफकत की निगाह इस गिराने खानदान पर ठहराए रखिए ताकि आपके नाम को इज्जत और जलाल मिले। बाप मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ, मिन्नत फरियाद करता हूँ, ये मेरी तमाम दरख्वास्तों मिन्नतों फरियादों को सुन। ये सब की तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंदी यीशु मसीह के वसीला से मांगता और पा लेता हूँ। आमीन आमीन। अब जब हम इस जिंदगी में जिंदा हैं और जिंदगी को बसर कर रहे हैं तो अक्सर उकात जिंदगी को गुजारते हुए हम अपनी मौत को भूल जाते हैं। बहुत से गुनाह बहुत सी गलतियां हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं। मेरे जीजो इससे पहले के खुदावंद का वक्त जो उसका ठहरा है वह वक्त है वो हमारी ज़िंदगी में आए। खुदावंद का कलाम खुदावंद के कलाम के वादे वो हमें दावत देते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में अपने मसीह को अपना निजात दिंदा कबूल करें और उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें। ज़बूर 90 हम खुदावंद की सितायश में गाएंगे और ज़बूर 90 भी इसी बात को बयान करता है। साड़ी बदकारी रखी है सारी अपने तू अग्गे खुदा। हम सब मिलकर इस ज़बूर को गाएंगे और इस ज़बूर के बाद हम भाई शफी की ज़िंदगी के हवाले से मुख्तलिफ अजीज़ों से इजहार ख्यालात को सुनेंगे। साड़ी बदकारी रखी है सारी अपने तू अग्गे खुदा। साड़ी बदकारी रखी है सारी अपने तू अगे खुदा। तेरा ही चेहरा रोशन है जेड़ा जानदा सब छुपे गुना। तेरा ही चेहरा रोशन है जेड़ा जानदा सब छुपे गुना। दिन असा सारे गम दे गुजारे कैर बिच तेरे सदा। दिन असा सारे गम दे गुजारे कैर बिच तेरे सदा। साड़ी उमर भी गई है गुजर भी जीवे एक गुजरे ख्याल। साड़ी उमर भी गई है गुजर भी जीवे एक गुजरे ख्याल। 70 बरे थी 80 बरे देख आखिर नू फिर भी फना। 70 बरे थी 80 बरे देख आखिर नू फिर नी फना। है सारी ताकत मेहनत मुशक्कत जानदी है रहंदी शताब। है सारी ताकत मेहनत मुशक्कत जानदी है रहंदी शताब।
जानदा है केड़ा अत गुस्सा तेरा तेरे गजब नू खुदा जानदा है केड़ा अत गुस्सा तेरा तेरे गजब नू खुदा साड़ी बदकारी रखी है सारी अपने तू अगे खुदा जबूर 16 हमें तसल्ली भी देता है और उसके साथ इस जबूर में एक इंतबाह भी है खबरदारी भी है कि अगर हम गैर मबूदों के पीछे जाते हैं अपनी जिंदगी में यसु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं करते तो जबूर नवी से कहता है कि गैर मबूदों के पीछे जाने वालों का गम बढ़ जाएगा। ऐसी इबादत जो की जाती हैं किसी शख्स के इंतकाल के बाद ये उसकी यादगारी में और खुदावंद की शुक्रगुजारी में की जाती हैं। हमारा मकसद आज जमा होकर अपने भाई के दर्जात को बुलंद करना नहीं बल्कि अपनी जिंदगियों पर गौर करना और उनकी ज़िंदगी के लिए और उनकी बरकत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करना है जो खुदावंद ने उन्हें बख्शी अपनी ज़िंदगी में जब उन्होंने मसीह यसु के साथ चलने का अहद किया। खुदावंद की बरकत उन्होंने हासिल की अच्छी बीवी औलाद कामयाब औलाद खुदावंद ने बख्शी। हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करने के लिए मौजूद हैं। मेरी दरख्वास्त है कि हम सब अपनी आँखों के एक मरतबा फिर बंद करें ख़ानदान की तसली और इत्मीनान के लिए और बिलखसूस हम दुआ करेंगे छोटे बच्चों के लिए जिस गम को अपनी ज़िंदगी में महसूस कर रहे हैं। मेरे अज़ीज़ो हमारा इन बच्चों के पास बैठना बातें करना ये महज वक्ती है लेकिन हम खुदावंद की तसली और इत्मीनान इन छोटे बच्चों के लिए और अपनी बहन शबनम के लिए जिनके लिए एक लंबी ज़िंदगी पड़ी है खुदावंद का इत्मीनान इनके लिए मांगेंगे। मेरी दरख्वास्त है भाई रियाज आशिक से कि वो सामने आए जो ईसा नगरी से आज की इस इबादत में शिरकत के लिए आए हैं और वो सामने आएंगे और इस ख़ानदान के लिए खुदावंद की हजूरी में आकर दुआ करेंगे कि खुदावंद हमारी बहन को बच्चों को तसल्ली इत्मीनान दे और हम में से हर एक को ये तौफीक बख्शे कि हम भी अपनी ज़िंदगी के दिन गिनना सीखें। यसु मसीह के जिंदा नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद का तख्त लगा हुआ और खुदावंद का वादा है जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होंगे तो मैं वहां हाजिर और नाजर हूंगा। यहां तो बहुत सारे हैं सब सर खुदावंद की हजूरी में झुक जाएं। हालेलुया कद्दूस 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 जिंदा जलाली जमीन आसमान के खालिक और मालिक आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पाँव की चौकी खुदावंदा बाप शुक्र गुजार इस वक्त इस घड़ी के लिए आप जो हमारी जिंदगियों में बख्शते कि हम मिलजुल कर आपके नाम की हमद और सना आपके नाम की तारीफ करें। हालेलुया बाप शुक्र गुजार आपकी दी ही नेमतों बरकतों बख्शों के लिए शुक्र गुजार से तंदुरुस्ती के लिए शुक्र गुजार गुजरे दिनों के लिए कि आपने हमें संभाले रखा शुक्र गुजार गुजरी रात के लिए कि आपने हमें तमाम मुसीबतों परेशानी बुलाओं आफतों से बचा कर रखा और एक नए सुहाने दिन के लिए शुक्र गुजार है कि जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा। बाप इस प्यार करम फजल शफकत के लिए शुक्र गुजार कि हम जैसे गंदे निकमे गुनाहगारों को अपने पास बुलाते ताकि हम आपकी बंदगी आपकी साइश आपकी तारीफ करें। हालेलुया बाप के तो आपका प्यार आपका फजल आपका रहम है। बाप शुक्र गुजार आपके इन मुबारक बेटों बेटियों के लिए जो आपके घर में मौजूद है। बाप आप जो हमारे नामों घरानों खानदानों का नाम बनाम जानते हैं आपके हाथों में हमारी तस्वीरें हैं। हालेलुया तेरा शुक्र तेरी स्ताई तेरी तारीफ हो। बाप इन सब जिंदगियों को आपके हजूर में ले आता हूँ आपकी स्लीप के नीचे ले आता हूँ वो स्लीप जो आपने हमारे गुनाहों की माफी के वास्ते उठा ली ताकि हम बच जाए। हालेलुया बाप हम उस कीमती खून के शुक्र गुजार है जिसने हमें बचा लिया। तेरा शुक्र तेरी स्ताई तेरी तारीफ हो। बाप तेरे खादमों के लिए भी
भी आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। बाप अपने खादमों को कसरत से इस्तेमाल कीजिए। बाप आज के जिंदा कलाम के लिए दुआ करता, जिंदा कलाम जो हमारी जिंदगी की रोटी, हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। जब तेरा बंदा तेरा खादम हमसे कलाम करे तो अपने खादम से होकर हमसे कलाम कीजिए। आज का कलाम हमारे घरानों खानदानों के लिए बाइस से बरकत हो। आज के कलाम के वसीला से बतेरी जिंदगियां फल लाए। बाप मैं अपने भाई शफीक के लिए दुआ करता हूँ जिसे आपने अपने वादे के मुताबिक अपने पास बुला लिया। बाप हम इंसानों की जिंदगी तो घास के फूल की मारिद है जो जल्द गिरती और सूख जाती है। बाप हम इंसान तो इस जहान में मुसाफर और परदेसी है। हमारा असल वतन तो तेरे पास आसमानों में है। बाप हमारा ईमान हमारा तवक्कुल भरोसा कि हमारा भाई शफीक आपके पास अबदी मकानों में मौजूद है। बाप जिसका वादा आपके बेटे यस्सु ने हमसे किया कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। बाप हम आपके वादों के लिए आपके शुक्र गुजार हैं। बाप मैं अपनी भाभी के लिए, बच्चों के लिए, उनके बहन भाइयों के लिए, तमाम रिश्तेदारों और अजीजों के लिए बाप तुझसे तसल्ली की दुआ चाहता हूँ। बाप हमारी तसल्ली नहीं बल्कि अपने कलाम के वसीला से तसल्ली दीजिए। अपना कवि हाथ बढ़ाकर छू लीजिए और बड़ी बरकत से माला माल कीजिए। बाप गमजदा खानदान को आपके हजूर में ले आता हूँ। बाप अपना कवि हाथ बढ़ाकर उन्हें छू और बड़ी बरकतों से माला माल कीजिए। बाप आज की सारी हमदोसना आपके यहाँ बहूर की मालिद पहुंचे। बाप आज की प्रस्तश आपके यहाँ बहूर की मालिद पहुंचे। बाप तेरा बरकतला आसमान हमेशा हम सब पर खुला रहे। अपनी नजरें करम को हमारे घरानों खानदानों पर हमेशा ठहराए रखिए ताकि हम ना आपके नाम को हमेशा इज्जत और जलाल देते रहे। बाप मुझे अपने जलाल अपने नाम की खातर और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कीजिए। नई सोचे अगले ताकत कुवत जोर अता कीजिए ताकि आपके नाम की बंदगी आपके नाम का प्रचार करता रहूं। बाप हाजर जमात को छू बड़ी बरकतों से माला माल कीजिए। बाप इनकी तेल की कुपियों आटों की मटकों पर आपकी बरकत को चाहता हूँ। बाप तेरे बेटे यस्सु के जन्मदिन की आमद के दिन नजदीक है, हर एक को बड़ी बरकतों से माला माल कीजिए। बाप एक बार फिर गमजदा खानदान को आपके हजूर में ले आता हूँ। बाप आपके चरणों में ले आता हूँ। अपना कवि हाथ बढ़ाकर छू लीजिए और बड़ी बरकत दीजिए। अपना तसल्ली इतमान और रहम करम शफकत की निगाह इस गिराने खानदान पर ठहराए रखिए ताकि आपके नाम को इज्जत और जलाल मिले। बाप मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ, मिन्नत फरियाद करता हूँ। यह मेरी तमाम दरख्वास्तों मिन्नतों फरियादों को सुन। ये सब की तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंदी यीशु मसीह के वसीला से मांगता और पा लेता हूँ। आमीन आमीन। अब जब हम इस जिंदगी में जिंदा हैं और जिंदगी को बसर कर रहे हैं तो अक्सर उकात जिंदगी को गुजारते हुए हम अपनी मौत को भूल जाते हैं। बहुत से गुनाह बहुत सी गलतियां हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं। मेरे जीजो इससे पहले के खुदावन का वक्त जो उसका ठहराया हुआ वक्त है वो हमारी ज़िंदगी में आए, खुदावन का कलाम खुदावन के कलाम के वादे वो हमें दावत देते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में अपने मसीह को अपना निजात दिंदा कबूल करें और उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें। ज़बूर 90 हम खुदावन की सितायश में गाएंगे और ज़बूर 90 भी इसी बात को बयान करता है, साड़ी बदकारी रखी है सारी अपने तू अग्गे खुदा। हम सब मिलकर इस ज़बूर को गाएंगे और इस ज़बूर के बाद हम भाई शफी की ज़िंदगी के हवाले से मुख्तलिफ अजीज़ों से इजहार ख्यालात को सुनेंगे। साड़ी बदकारी रखी है सारी अपने तू अगे खुदा। साड़ी बदकारी रखी है सारी अपने तू अगे खुदा। तेरा ही चेहरा रोशन है जेड़ा जानदा सब छुपे गुना। तेरा ही चेहरा रोशन है जेड़ा जानदा सब छुपे गुना।
दिन असा सारे गम दे गुजारे कैर बेच तेरे सदा। दिन असा सारे गम दे गुजारे कैर बेच तेरे सदा। साड़ी उमर भी गई है गुजर भी जीवे एक गुजरे ख्याल। साड़ी उमर भी गई है गुजर भी जीवे एक गुजरे ख्याल। 70 बरे थी 80 बरे थी आखिर नू फिर भी फना। 70 बरे थी 80 बरे थी आखिर नू फिर नी फना। है सारी ताकत मेहनत मुशक्कत जांदी है रहंदी शताब। है सारी ताकत मेहनत मुशक्कत जांदी है रहंदी शताब। जानदा है केड़ा अत गुस्सा तेरा तेरे गजब नू खुदा। जानदा है केड़ा अत गुस्सा तेरा तेरे गजब नू खुदा। साड़ी बदकारी रखी है सारी अपने तू अगे खुदा। आए मेरे अजीजों, हम अपने सर खुदावंद के हुजूर में झुकाएं और इस वक्त दुआ करेंगे। जब अजीज सामने आते हैं और वो आकर भाई शफीक की जिंदगी के लिए अपने ख्यालात का इजहार करते हैं तो खुदावंद से दुआ करेंगे कि खुदावंद के घर में खड़े होकर जो गुफ्तगू की जाए उसके वसीला से सुनने वालों को तसल्ली मिले और खुदावंद उन सारी अच्छी यादों को जो भाई शफीक ने अपने ख़ानदान में रहकर अपनी बीवी अपने बच्चों बहन भाइयों तमाम अजीज़ों कारब में छोड़ी हैं खुदावंद उन अच्छी यादों को इनकी ज़िंदगियों में हमेशा कायम रखे। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें अपने सर खुदावंद के हुज़ूर में झुकाएं। मेरी दरख्वास्त है एल्डर अय्यूब डैनियल साहब से बराए मेहरबानी वो सामने तशरीफ़ लाएँ और ख़ानदान के लिए उनकी तसल्ली इत्मीनान के लिए इसी तरह जो तमाम इज़हार ख्याल करने के लिए आने वाले हैं उनके लिए दुआ करने में रहनुमाई करें। आइए हम दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक हमारे ज़िंदा खुदावन हम दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार होते हैं। गम में हों या खुशी हों फिर भी हम अपने आप को तेरे ही हाथों में देते हैं। खुदा तू हमारी मदद और रहनुमाई करना। आज के दिन जब हम भाई शफीक की इस मेमोरियल के लिए इस यादवार प्रोग्राम के लिए सारा जो किया गया है खुदा तेरे बंदा को याद करते हैं। खुदा उनकी खूबसूरत ज़िंदगी के लिए उनके बच्चों के लिए बाजी के लिए कि खुदा तू ने अपने बंदा को घर सहज नेमत दी बच्चे दिए और खुदा बच्चे लायक बच्चे दिए अच्छी बीवी दी ये सारा कुछ खुदा तू ने अपने बंदा को अता किया लेकिन तेरे ठहराए हुए वक्त के मुताबिक तूने अपने बंदा को अपने पास वापस बुला लिया। खुदा तेरे कलाम लिखा इंसान खाक से आया खाक में लौट जाएगा। ए बाप हम जितने भी लोग आज सारे मिलकर इस प्यारे ख़ानदान के लिए दुआगो हैं कि खुदा तू हमारी बेटी को शबनम को और इसी तरह बच्चों को तेरा हाथ उन पर रहे और खुदा हम जब लोग जितने भी लोग हैं आज हम तेरे घर में बैठकर वादा करें कि जब जब हम दुआ करें अपने ख़ानदानों में तो खुदा इन बच्चों को याद रखें इनकी हर ज़रूरियात को पूरा करना सबसे बढ़कर उस घर पर तेरा हमेशा साया रहे तेरे फरिश्ते खैमादार रहें और बच्चों के साथ होना इनके आने और जाने में सारी मदद रहनुमाई करना। और जितने भी लोग इस इबादत में शरीक हैं जो दूरों नज़दीक से आए हैं खुदावंद उनके लिए भी हम दुआगो हैं जो इस गम में इस ख़ानदान में साथ शरीक हैं। ऐ बाप आज के ज़िंदा कलाम के लिए तेरे आगे मिन्नत करते हैं तेरे खादम को तेरे हाथों में देते हैं खुदावंद जो कलाम आज जिंदों के लिए हमारे लिए है जो हम ज़मीन पर हैं
तो खुदावंद उस कलाम के वसीले से बरकत पाएँ और हम भी अपनी ज़िंदगी को इसी तरह याद रखें। हमने भी इसी तरह तेरे पास जाना है, तेरे ज़िंदा कलाम के लिए, तेरी ज़िंदा उम्मीद के लिए हम शुक्र गुज़ार हैं जो तूने हमको अता की। इसी तरह आज जितने भी बहन भाई इस मेमोरियल में भाई के याद में कुछ बोलना चाहते हैं उनको भी तेरे हाथों में देते हैं, उनके साथ होना, जो कुछ उनके लिए बोला जाए हम सब के लिए भी ऐसी बातें हों कि जब हम इस ज़मीन पर ना हों तो हम भी अच्छे काम करें, अच्छी ज़िंदगी बसर करें ताकि आने वाले लोग हमारी अच्छी गवाही दे सकें। तेरे खादमों को तेरे हाथों में देते हैं खुदा, पास्टर आज़म साहब के लिए, पास्टर आर्थर साहब के लिए, खुदा जारी सारी इबादत को लीड करते हैं, पैगाम देते हैं। खुदा हम सब के लिए आज का ज़िंदा कलाम बाइस से बरकत हो। आज तेरे घर से गम की हालत में जाते हैं लेकिन खुदा अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं और खुशी के साथ अपनी ज़िंदगियां बसर करें और अपनी ज़िंदगियां की जो भी कमी कमज़ोरियां हैं खुदा उसे दूर करें तक हमने भी इसी तरह जिस तरह हमारा भाई तेरे पास पहुंच गया हमने भी जाना है। हम अपनी ज़िंदगी के दिन गिनना सीखें और इसी तरह तेरे नाम को जलाल देते रहें। इस सारी इबादत में शुरू से लेकर आखिर तक हम सब की बड़ी मदद रहनमाई करना। तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन आमीन। इससे पहले के ख़ानदान के अफराद वो सामने आए और वो रिश्ते जिनमें वो भाई शफीक के साथ उनकी ज़िंदगी में जुड़े रहे वो अपनी मोहब्बत का इजहार करें, बताना चाहता हूँ कि भाई शफीक मसीह खुदावंद ने उन्हें ज़िंदगी के 42 साल इस रोए ज़मीन पर बख्शे। 42 सालों में खुदावन ने उन्हें एक वफ़ादार बीवी हमारी बहन शबनम अता की। 2005 में उनकी शादी हुई और इसी तरह खुदावन ने जैसे कलाम में लिखा है कि खुदावंद तुझे बरकत देगा, खुदावन ने उन्हें औलाद की बरकत भी बख्शी। बड़ा बेटा अब्राहम वो FSC कर रहा है, सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है DPS कॉलेज में। उसी तरह बेटी दिया वो 9th क्लास में पढ़ रही है, मैट्रिक में है, उससे छोटी बेटी जो है वो 9th क्लास में, और ये बच्चे अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। और खुदावंद ने भाई शफीक को अच्छा रोज़गार भी बख्शा था, आप सब जानते हैं वो मेहनत करते थे और मेहनत करके उन्होंने अपने बच्चों को कामयाब किया, इस जगह तक पहुँचाया। 1980 की उनकी पैदाइश है जो ख़ानदानी लोगों ने बताया, और 5 दिसंबर 2022 की सुबह जब वो वॉक करके अपने घर पर वापस आए और उनका ब्लड प्रेशर हाई था, बच्चों ने उन्हें चेक किया, उन्हें हॉस्पिटल में लेकर गए जहाँ पर जाकर उनका ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल हो गया लेकिन जैसा बताया जाता है कि हार्ट अटैक उन्हें आया था। इस वजह से वो खुदावंद की आवाज़ पर इस जहान फ़ानी को छोड़कर खुदावंद के पास वापस चले गए। जब किसी अपने के लिए कुछ बताने का वक्त आए, मौका आए, तो बातें बहुत सारी होती हैं। 42 साल अगर उनकी ज़िंदगी है तो उन 42 सालों में अगर कोई बड़ा भाई आए तो वो 42 सालों बचपन से लेकर उनकी आखिरी दम तक बातें बता सकता है। बीवी हैं वो बता सकती हैं, बच्चे हैं वो बता सकते हैं, लेकिन वक्त का ख्याल रखते हुए हमें सब चीज़ों को पूरा करना होगा। तो मेरी दरख्वास्त है जितने भी बोलने के लिए सामने आते हैं वो ज़रूर अपने ख्यालात का इजहार करें, अपनी मोहब्बत का इजहार करें, लेकिन वक्त का ख्याल रखें ताकि हम वक्त के साथ चलते हुए दूसरों को भी सामने बुला सकें। मेरी दरख्वास्त है सबसे पहले नकाश तौकीर से जो रिश्ते में उनके भतीजे हैं और भतीजे से बढ़कर वो एक अच्छे दोस्त भी, तो मेरी नकाश से दरख्वास्त है कि वो सामने आए और अपने चाचू के हवाला से एक अच्छा वक्त जो उन्होंने गुजारा, एक अच्छी दोस्ती जो उन्हें उनसे हासिल हुई, वो उन ख्यालात का इजहार करें। मसीह में आप सबको सलाम। तो आज कहना ये चाहते हैं कि ये चाचू ने हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे तो मेरी बहुत इज़्ज़त करते थे क्योंकि मैं इनके बच्चों को पढ़ाता था, तो उनका मैं टीचर हूँ अभी भी, तो मैं कुछ भी उन्हें कह देता था गुस्से में, नाराज़गी, वो मेरे से नाराज़ नहीं होते थे। यहाँ तक कि बच्चों ने कभी नहीं ठीक पढ़ना तो मैंने आंटी को जाके बहुत बोलना और चाचू ने मुझे बाद में कहना कि कोई बात नहीं, तुम जैसा मर्जी बोल दिया करो,
आंटी तुम्हारी गुस्सा नहीं करेगी, लेकिन बच्चे कामयाब होने चाहिए। तो ऐसे हर लिहाज से बच्चे भी तामन करते रहे, मैंने बहुत डांटा इनको। तो जब उन्होंने जान दी तो मेरे हाथों में ही थे, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल वक़्त था कि इब्राहिम को मैं बता सकूँ, लेकिन बहुत मुश्किल था मेरे लिए। चाचू के लिए यह कि चाचू बहुत अच्छी शख्सियत थे, तो उन्होंने हर लिहाज से हमारे साथ तामन किया, हर तरह चले। कुछ कोई भी काम कुछ भी होता था हम उन्हें बता देते थे, हम उन्हें कह देते थे, यहाँ तक कि आना जाना हर तरफ उनके साथ था। तो अभी भी मैं इब्राहिम को, दिया जिया को, उनका टीचर होने के नाते मैं उनके साथ हूँ हर पल। जो आपका बाप चाहता था, जैसा आपने बनना है, आप कोशिश करें, मेहनत करें, मैं हमेशा आपके साथ ऐसे ही खड़ा हूँ बड़े भाई की हैसियत से। तो हर लिहाज से मैं आपके साथ हूँ, खुदा आपको बरकत दे। तो कभी भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, जैसा डे फर्स्ट से था ऐसा ही आपको कामयाब करेंगे। बहुत शुक्रिया भाई नकाश, खुदावंद आपको बरकत दे। और ये वादा जो आपने खुदावंद के घर में खड़े होकर किया है, खुदावंद ऐसे हालात हमेशा रखे कि आप इस वादे को पूरा करें। मैं बताना चाहता हूँ कि भाई शफीक खुद तो वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अपने बच्चों को बहुत अच्छे तौर पर पढ़ाना चाहते थे, और खुदा उनके फजल से उनका बेटा इब्राहिम वो DPS कॉलेज में FSC सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, और वो ये चाहते थे कि वो अपने इस बेटे को डॉक्टर बनाए। पढ़ाई में ही बहुत अच्छा है, और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ज़रूर आप इस बच्चे को दुआ में याद रखें कि वो ख्वाब जो उसके वालिद ने देखा है वो ख्वाब ये बच्चा पूरा करे। मेरी दरख्वास्त है भाई इमरान से जो गुजर मोहल्ला से हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो सामने आएँ, और भाई शफी के हवाला से एक अच्छी मोहब्बत का रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता, इज़्ज़त का रिश्ता जो खुदा ने उन्हें बख्शा था, वो अपने ख्यालात का इजहार करें। मसीह में आप सबको सलाम। शफीक भाई बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे, और सबसे ज़्यादा बड़े भाई थे मेरे, और मेरे फैमिली मेंबर भी थे वो। घर में आना जाना, अच्छी बातें, बुरी बातों से रोकना, बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे। शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे, और खुदावंद की तसल्ली हमेशा आपकी ज़िंदगी में मौजूद रहे। मुझे इस जगह पर खुदावंद की खिदमत करते हुए 11 साल का अरसा हो गया, और मैं हड़प्पा में इस वक्त खुदावंद की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। लेकिन जब मैंने खिदमत का आगाज़ किया तो गॉस्पल कॉलोनी में, इसी जगह पर जहाँ पर भाई शफीक और उनका ख़ानदान रहता है, मैंने 2 साल तक घरों में विज़िट करना और इनकी पासबानी खिदमत जो खुदा की खिदमत है इनके दरमियान में की। तो भाई शफीक अपने घर में हर महीने में वो एक दिन शुक्रगुजारी की इबादत रखा करते थे, और अपने अजीज़ों को बुलाया करते थे, और अपनी वफात से, इंतकाल से एक दिन पहले भी वो अपनी बहन के घर में बड़ा अच्छा इंतज़ाम सुबह के वक्त उन्होंने किया हुआ था। तकरीबन घर के 50-60 अफराद ये सब मौजूद हैं। कल पास्टर आज़म साहब वो मुझे वीडियो दिखा रहे थे जब सब लोग बड़े खुश थे, और भाई शफीक ये चाहते थे कि आइंदा जो आने वाला इतवार है उनके घर में खुदावंद की इबादत की जाए। तो खुदावंद से प्यार करने वाले थे, और खुदावंद ने भाई शफीक की ज़िंदगी में जब वो उन्होंने अपने घर में इबादत का इनकाद किया, बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ खुदावंद उनकी ज़िंदगी में लाया। उन्होंने खुदावंद के तरफ आकर अपनी ज़िंदगी में बच्चों की खुशियां देखी और उसके साथ कामयाबियां भी देखी। अक्सर वक्त औलाद तो होती है लेकिन वो कामयाब नहीं होती। खुदावन ने जब वो उसने खुदावन की तरफ आना गवारा किया, कबूल किया, तो खुदावन ने उससे कामयाबियां और बरकतें बख्शी। मेरी दरख्वास्त है बेटी हिना सदीक से कि वो सामने आए, जो रिश्ते में उनकी भतीजी हैं, और वो सामने आकर अपने ख्यालात का इजहार अपने चाचू के लिए। बड़ा लंबा अरसा है, बड़ा अच्छा वक्त है जो गुजारा है, बड़ा मुश्किल होता है सामने आना, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इजहार ख्याल करके हम अपनी मोहब्बत दूसरों के सामने जाहिर करते हैं। तो बेटी हिना से दरख्वास्त है कि वो अपने ख्यालात का इजहार अपने चाचू के लिए करें। सबको सलाम। मेरे चाचू हमारे साथ दोस्तों की तरह रहते थे, कोई भी बात हमें कोई मुश्किल होनी हमने चाचू के पास जाना, चाचू ये हो गया, चाचू पापा ने ये कर दिया, चाचू ने हमें समझाना, पापा को कहना कि इन ऐसे नहीं करो, ये नहीं करो, हमेशा दोस्तों की तरह हमारे साथ रहे।
हमारे साथ जब बैठते थे हमें लगता ही नहीं था कि वो चाचू हमारे बड़े हैं। हमें हंसी मजाक जब उन्होंने आना हमें आवाज़ें देनी, हमने भागना चाचू की आवाज़ पे, चाचू आवाज़ दे रहे हैं, मेरे पापा ने हमें पीछे से आवाज़ें देनी, चाचू नहीं पापा चाचू बुला रहे, हमने चाचू के पास जाना। सब ऐसे ही करते थे हम सब चाचू से। अब हमें आवाज नहीं सुनाई देगी, हमें कभी आवाज नहीं सुनाई देगी चाचू की। खुदावन तमाम बहनों और बेटियों को, तमाम अजीजों को जो उन अच्छी यादों को सामने आकर बयान कर रहे हैं, खुदावंद आप सबको तसल्ली दे। और आज हम मौजूद भी इसलिए हैं ताकि हम उन्हें याद भी कर सकें और खुदावंद के कलाम को सुनकर तसल्ली भी हासिल कर सकें। सबसे आखिर में लेकिन इस ख़ानदान के सबसे बड़े एल्डर तौकीर साहब, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो सामने आए और अपने ख़ानदान के हवाला से, भाई शफी के हवाला से ज़रूर वो अपने ख्यालात का इजहार करें ताकि इस ख़ानदान के सारे बच्चे जो उनको देखकर तसल्ली पाते हैं वो खुदावंद में तसल्ली हासिल करें। खुदावंद की शुक्रगुजार है कि उसने हमें ऐसे बच्चे दिए जो ताबेदार हैं। मैं सदीक शफीक के बारे में क्या कह सकता हूँ, मुझे ये बाप कहते थे, मैं भाई नहीं मैं इनका बाप। कौन सा बाप है जो अपने बच्चों को अच्छा नहीं समझता। या मैं ये एक बड़ी बात मैं जो आपको बताने वाला हूँ कि ये सिगरेट बहुत पीता, लेकिन जब मेरे घर में आता तो ये सिगरेट बंद करके आता था और ये भी कहता था कि मैंने कभी किसी के सामने सिगरेट नहीं छोड़ी, मैं किसी के पास भी जाता हूँ, लेकिन वाहद ये एक घर है जहाँ मैं कभी भी अपने भाई के सामने या इस घर के अंदर सिगरेट लेके नहीं जाता। और फिर बच्चों के बारे में, इब्राहिम के लिए ये जब दानिश के साथ पढ़ता है, जो अब खुदा उनका शुक्र है कि 2-3 साल में वो मुकम्मल डॉक्टर बन जाएगा, जब उसके साथ बैठकर पढ़ता था, जब निकाश के पास आकर बैठ के पढ़ता था और फिर बाकी बच्चों को भी मैं देखता था, तो मैंने शौकत के बच्चों को, इसी तरह मैंने हनीफा के बच्चों को जब देखा कि ये बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैंने आकाश निकाश और दानिश को कहा, बेटा मसला ये है कि अब ये तेरे बहन भाई हैं तुम्हारे, अब ये नीचे नहीं रहने चाहिए किसी सूरत, हर सूरत ये वहाँ होने चाहिए जहाँ तुम खड़े हो। और फिर मैंने जब इसका ये देखा कि इब्राहिम का दाखिला जब DPS में हुआ है, DPS वो कॉलेज है जहाँ लोग तरले करते हैं, मिन्नतें करते हैं और लोग सिफारिशें ढूंढते हैं कि किसी तरह वहाँ हमारे बच्चे का दाखिला हो जाए। और जब मुझे इन्होंने आके ये बताया कि इब्राहिम का दाखिला जो है DPS में हो गया, मैं क्या बेटा आज ये कामयाब, आज उस सीढ़ी पर चढ़ा है जो कामयाबी की तरफ बढ़ती है। इसी तरह मैं शौकत के बच्चों के बारे में भी देखता हूँ, शौकत के बच्चे भी बड़ा अच्छा पढ़ गए, और फिर हमारी बहन की का बेटा है वो बरसे रोज़गार हो गया है, बच्चियाँ जैसे वो पढ़ रही हैं। फिर दूसरे हमारा जो भाई शफीक इसके बच्चे हैं, दिया जिया है, ये भी शुक्र है खुदा उनका कि ये हाई क्लास में आ गई हैं। और फिर बाप होने के नाते मैं अपनी बेटी को और बच्चों को तसल्ली दूंगा कि खुदा उन पर भरोसा रखो, वो सब कुछ करने की कुदरत और ताकत रखता है, वो कभी भी आपको तनहा नहीं छोड़ेगा और आपको नाकाम नहीं होने देगा। बस बात यह है कि आपने खुदावंद का जो हाथ है वो नहीं छोड़ना। बहुत शुक्रिया एल्डर साहब। कोई भी भाई जो, जी भाई आपके लिए मौका है, आप तशरीफ लाएं। भाई रियाज से दरख्वास्त है कि वो मुख्तसर वक्त में अपने ख्यालात का इजहार करें ताकि उसके बाद हम खुदावंद के कलाम को सुनने की जाने बढ़ें। मैं भाई शफीक के बारे में कहना चाहता हूं कि हम सिविल हॉस्पिटल में इकट्ठे रहे बचपन से, हमारा बचपन बहुत अच्छा रहा, हम क्रिकेट भी खेलते रहे, बसंते भी मनाते रहे, और एल्डर तौकीर साहब भी
हमारे सीनियर थे, बड़े थे, हमने मिलकर क्रिकेट खेली और बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली। वो खुश इखलाक और अच्छी जहन का मालिक था। खुदावंद उसे अपने घर में जगह दे, आमीन। शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। कोई भी शख्स जब वो दुनिया से चला जाता है तो उसके जाने के बाद पता चलता है, महसूस होता है कि उसकी ज़ात वो कितनी परतों में थी। वो एक बाप, एक शौहर, भाई, चाचू, मामू, बहुत से रिश्तों में थे। तो मेरे अज़ीज़ो, जब कोई दुनिया से जाता है तो उसका जाना हमारे लिए भी एक सबक है कि हम अपने रिश्तों में, अपने ताल्लुकात में अच्छे तौर पर अपनी ज़िंदगी बसर करें, ताकि जब हम इस दुनिया में ना हों तो हमें अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाए। खुदावंद की तसल्ली और उसका इत्मीनान हमेशा इस पूरे ख़ानदान के साथ रहे। आए हम अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद के पाकलाम को सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। और मेरी दरख्वास्त है मिसेज सरिया जॉन विक्टर साहिबा से, वो सामने आएंगी खुदावंद के खादम के लिए और खुदावंद के कलाम के लिए जिसे हम सुनने वाले हैं, उसके लिए दुआ में रहनुमाई करेंगी। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और मेरी दरख्वास्त है खुदावंद की बंदी से कि वो सामने आए, इस ख़ानदान के लिए भी दुआ में रहनुमाई करें और इसके साथ खुदा के खादम के लिए, खुदा के कलाम के लिए जिसे हम सुनने वाले हैं, ताकि खुदा का कलाम हमारे लिए बाबरकत हो। मेरी तरफ से सबको सलाम। तो मैं भाई के लिए ज़रूर एक दो लफ्ज़ बोलूँगी। वो बहुत अच्छा इंसान था। हमारा उनके घर में आना जाना बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वो मेरे मियाँ के साथ, उनका कुछ कारोबार था, तो वो कहते कि भाई आप हमारे घर आएँ, अंकल जी आपने सारे हमारे काम कर, लिखना पढ़ना जो भी है वो आप करेंगे। हम अब सुबह घर में बैठे उनको याद कर रहे थे कि बहुत ही अच्छा इंसान था, बहुत ज़्यादा। मेरे मियाँ अक्सर ही उनके घर में रहते और चाय और पानी के बगैर नहीं आने देते किसी को भी, जब हम जाते पार साहब और मैं, ये आंटी जी वो दूध लेने भी जाते तो मेरे मियाँ को साथ लेके जाते। बहुत ही अच्छा इंसान था, खुदा उसको अच्छी जगह दे। और मैं अपनी बहन के लिए दुआ करती हूँ, खुदा इत्मीनान तसल्ली बच्चों को और पूरे ख़ानदान को बख्शे। आइए अपने सरों को झुकाएं। प्यार से बड़े खुदावन, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करती खुदावन, तेरी सारी नेमतों और बरकतों और बख्शों के लिए खुदावन। जितनी बातें भाई के लिए की गई हैं खुदावन, ये सारी बातें खुदावन उसकी ज़िंदगी में थी, वो तेरा बंदा और वो तुझे प्यार करता था खुदावन। तूने अपने वक्त मुकर्रा पर खुदावन उसको अपने पास बुला लिया खुदावन। इत्मीनान और तसल्ली खुदावन तो मेरी बहन को और बच्चों को देना खुदावन। आज के लिए खुदावन दुआ करती हूँ तेरे खादम के लिए खुदावन, जो कलाम सुनाया जाए, जो सारी हमदो सना की गई है खुदावन, आज की सारी हमदो सना खुदावन तेरे हजूर मकबूल ठहरे। और इसी तरह खुदावन तेरे बंदा को तेरे हाथों में दे देती हूँ खुदावन, जो उनके पास है जिंदा कलाम है, जो सुनाया जाए खुदावन, वो हमारी ज़िंदगियों के लिए है खुदावन। जो हमसे बिछड़ गया, वो चला गया, उसके लिए नहीं है, ये हमारे लिए है खुदावन, हम जो जिंदा ज़मीन पर हैं खुदावन। तुम्हें इत्मीनान और तसल्ली बख्शना खुदावन, तो अपने बंदा के साथ होना, सर से लेके पाँव के तक बता खुदावन, तेरे बंदा को भी तेरे हाथों में दे देती हूँ। जितने साथियों के नाम का नाम तो सबके साथ होना, मेरी ये दुआ सुनो और कबूल कर, यीशु मसीह का नाम लेके मानती हूँ, आमीन। अभी हमने बहुत सारी बातें सुनी, वो सारी बातें ऐसी हैं जो जब हम सुनते हैं तो हम माजी में चले जाते हैं, हम रोते हैं, हमारे आंसू जो रुकते हैं वो फिर से बहना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त हम खुदावंद के उस कलाम को सुनेंगे और खुदावंद के कलाम की उन बातों पर गौर करेंगे जो हमें मुस्तकबिल की नवीद देती हैं, और उन बातों को सुनेंगे जो हमारे लिए बाबरकत हैं। मेरी दरख्वास्त है खुदावंद के खादम पास्टर आज़म जॉन साहब से कि वो सामने आए और खुदावंद के कलाम को हम सब तक पहुँचाएँ। सब लोगों से मेरी तरफ से सलाम। शफीक बहुत अच्छा था और वो मेरा देवर नहीं था, वो मेरा बेटा था। जब मैंने उसकी शादी की तो मैं अपने अपने बच्चों से बढ़ के उसकी खुशियाँ की। वो मुझे कभी भाभी नहीं समझता था, मुझे अपनी माँ का दर्जा देता था। मास्टर साहब की तरफ से मैं उसकी तरफ से बोल रही हूँ कि खुदावंद हम सब
खानदान को सबर तसली इतमान बख्शे। इंसान है, इंसान होने के नाते हम कमजोर हैं। हम इस गम को, इस जदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग सब हमारे खानदान के लिए दुआ करें कि जो गम हम पा रहे हैं, ये खुदावंद हमें सब्र तसल्ली बख्शे। मास्टर साहब के लिए मेरी दरख्वास्त है कि सब लोग दुआ करें, खुदावंद उन्हें तंदुरुस्ती सेहत अता करें। वो अपने घर में आके, खुदावंद के घर में आके गवाही दे कि खुदावंद ने मुझे अच्छा किया। शफीक के बच्चों के लिए मैं सब्र तसल्ली इत्मीनान खुदावंद से मांगती हूँ। अपनी बहन के लिए कि खुदावंद उन्हें भी सब्र तसल्ली बख्शे। शफीक बहुत अच्छा था, वो मेरे बच्चों की तरह था, मैं उसे अपना बेटा समझती थी। वो मुझे कभी नहीं था कहता कि मेरी भाभी है। जब क्रिसमस आता था सबसे पहले सुबह चले जाना कि मेरा क्रिसमस दो, बल्कि क्या किया उन्हें कहना कि मुझे इतने चाहिए, मैंने इतने ही लेने हैं। मैंने कहना कोई बात नहीं। मेरे बच्चों ने कहना कि देख लो उसे जल्दी से दे दिए, हमें नहीं देती। मैं कहना ना, कभी भी मैंने उसे नहीं था अपना देवर समझा। उनकी यादें हमारे दिलों में कभी नहीं निकलेगी। मसीह खुदावंद के अजीम और कादर नाम में आप तमाम बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों और बच्चों की सलामती हो। भाई शफीक अपने नाम ही की तरह एक नहायत ही शफीक इंसान, प्यार और मोहब्बत से भरा हुआ शख्स, और बहुत ही खूबसूरत बात जो मैंने उनकी ज़िंदगी में देखी और पाई, क्योंकि कलीसियाई पासबान होने के नाते से मेरा अक्सर उनके साथ मिलना जुलना होता और विज़िट के लिए, इबादत के लिए भी उनके घर आना जाना होता। और जो ख़ास बात, अगर वो किसी बात पर नाराज़ होते या गुस्सा करते तो वो बहुत देर तक नहीं होता, सिर्फ लफ्ज़ों की हद तक होता और उसके बाद फिर वो रिलैक्स हो जाते। बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले नहीं, बहुत ज़्यादा तेज़ ऊँचा बोलने वाले नहीं, धीमा बोलने वाला शख्स था। और अपने ख़ानदान में वो सबसे छोटा बेटा भाई, लेकिन ये खुदावंद की मर्ज़ी हुई कि सबसे छोटे को सबसे पहले खुदावंद ने अपने पास बुला लिया। क्योंकि दुनिया में ये दस्तूर होता है या हम ये चाहते हैं कि जो बड़ा है, जो बुज़ुर्ग है वो जाए, छोटा ना जाए, लेकिन मेरे अजीज़ो ये खुदावंद ताला की मर्ज़ी होती है और हमें इसे मानना और कबूल करना पड़ता है। अय्यूब ही की तरह, जैसे वो फरमाता है कि तूने दिया तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। जैसे पादरी साहब अभी जिक्र कर रहे थे, इतवार की सुबह जो पहला, हर माह का जो पहला इतवार होता है, वो बहन हनीफा के घर वो शुक्रगुजारी की इबादत वो किया करती, खुदावंद के खादमों को बुलाती, और इसके साथ साथ वो अपने तमाम भाइयों को, अपनी भाभियों को और उनके बच्चों को भी अपने घर में दावत देती। और इस इतवार भी सुबह 7:30 बजे हम उनके घर में मौजूद थे और सारे भाई और बहनें और उनके बच्चे, तकरीबन ये 40 से 50 लोगों के करीब लोग थे जो हम वहाँ पर इबादत कर रहे थे। और इबादत के बाद बड़ा अच्छा उन्होंने खाने का इंतज़ाम भी सब के लिए किया हुआ था। और कल भी हम ये बात कर रहे थे कि ये खुदावंद ताला की मर्ज़ी होती है कि इतवार के रोज़, उस रोज़ हम घर में मौजूद थे, और मेरे पास वीडियो भी है, अगर आप बाद में देखना चाहें तो देख सकते हैं। वो अचानक से, या शायद भाई को खुदावंद ने अपने पास बुला लेना था, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने मोबाइल निकाला और वीडियो को बना लिया और वो वीडियो मेरे पास महफूज होगी। और जब वीडियो शुरू होती है वो भाई शफीक से ही शुरू होती है। सबसे पहले आप देखेंगे कि वीडियो में वो चार पे भी बैठे हैं, सबसे पहले वो ही हैं वीडियो में। तो
तो वो यादें अच्छी कैद हो गई। बताने का मतलब और मकसद ये है कि बहुत खुशी का समय था, सब इकट्ठे थे, खुशबाश हंस खेल रहे, खा पी रहे, लेकिन अगले ही दिन फिर हमें उस घर में दोबारा जाना पड़ गया। वो खुशी का घर फिर मातम के घर में बदल गया। ये खुदावंद की मर्जी है और हमें ईमानदार होते हुए, खुदा के बेटे और बेटियां होते हुए इसे मानना, तस्लीम करना और कबूल करना पड़ता है। और एक बार फिर भाई के लिए, उनकी फैमिली के लिए, बाजी के लिए, बच्चों के लिए, सब बहुत प्यार करने वाले सादा लोग, इज़्ज़त करने वाले, इज़्ज़त देने वाले। और हमारी दुआ है कि खुदावंद इस सारे ख़ानदान को इस बड़े गम में संभाले, इत्मीनान और तसल्ली अता फरमाए। आमीन। आइए कलाम खुदा को खोलें और अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए हम तलावत को सुनेंगे। पैदाइश की किताब में से तलावत की जाएगी, उसका 48वां बाब और उसकी 21वीं और 22वीं आयत आप सब के लिए तलावत करूंगा। पैदाइश की किताब उसका 48वां बाब उसकी 21वीं और 22वीं आयत आप सब के लिए तलावत करूंगा। कलाम खुदा में लिखा है, और इसराइल ने यूसुफ से कहा, मैं तो मरता हूं लेकिन खुदा तुम्हारे साथ होगा और तुमको फिर तुम्हारे बाप दादा के मुल्क में ले जाएगा, और मैं तुझे तेरे भाइयों से ज्यादा एक हिस्सा जो मैंने अमूरियों के हाथ से अपने तलवार और कमान से लिया देता हूं। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। मेरे अजीजो, जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते, सुनते और सीखते हैं तो कलाम खुदा में लिखा है कि पैदा होने का एक वक्त है और मर जाने का एक वक्त है, और जब इंसान का वक्त पूरा हो जाता है, उसकी जमीनी मुसाफरत के अयाम पूरे हो जाते हैं जो खुदावंत की तरफ से मुकर्रर हैं। तो अभी जबूर नंबर 90 उसकी तलावत भी की गई, जहां पर लिखा है, तो खुदावंद फरमाता है कि ऐ बनी आदम लौट आओ। भाई शफीक, जिसकी कुल उम्र 42 वर्ष उन्होंने इस जमीन पर पाई, जब वो अयाम पूरे हो गए तो खुदावंद ने अपने बंदा को अपने पास वापस बुला लिया, क्योंकि ये खुदावंद ताला की तरफ से मुकरर किया गया है, ठहराया गया है। हमारी उम्र की मियाद खुदावंद ने मुकरर की है, वो 70 बरस है, अगर कुवत हो तो 80 बरस, 70 वरेतिक, 80 वरेतिक, आखिर नु फिर भी फना। चाहे कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बुजुर्ग है, कोई बहुत छोटा है, कोई माँ के बतन में है, लेकिन जब खुदावंद की तरफ से उसका बुलावा है तो फिर मेरे अजीजों, उसे अपने दोस्तों, साथियों, अजीजों, रिश्तेदारों, बच्चों, सबको छोड़कर खुदावंद की मर्जी को पूरा करना है, क्योंकि वो मर्जी खुदावंद की है, वो इंतजाम भी खुदावंद का है। तलावत करदा आयात पर जब हम गौर करते हैं, यहां पर हमें खुदावंद के बंदा याकूब की वो खूबसूरत नसीहत, वसीयत और दुआ जो वो अपने बेटे को देता हुआ नजर आता है, वो नजर आती है। खुदावंद का बंदा याकूब इस रोजमीन पर, उसने जब अपनी जमीनी मुसाफरत को पूरा कर लिया, जब उसकी मौत का वक्त करीब आ गया, जब वो खुदावंद के पास जाने वाला था, जब वो अपने लोगों में शामिल होने वाला था, तो फिर उसने अपने बेटे यूसुफ को अपने पास बुलाया। दुनिया में रहते हुए भी हम देखते हैं कि बहुत दफा इंसानों को, लोगों को ऐसे मौके मिल जाते हैं कि जब उन्हें इल्म हो जाता है, पता लग जाता है कि अब मेरा वक्त नजदीक है, अब मैं खुदावंद के पास जाने वाला हूं, तो फिर वो अपने बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, साथियों को अपने पास बुला लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, ताकि खुदावंद के पास जाने से पहले उनको कुछ नसीहत करें, वसीयत करें, या जो फराइज और जिम्मेदारियां उनके सुपुर्द हैं वो उनके सुपुर्द की जा सकें। यहां पर याकूब भी हमें इसी तरह अपने बेटे यूसुफ को अपने पास बुलाता हुआ नजर आता है, और उसका मकसद क्या है? उसका मकसद यह है कि जब वो अपनी औलाद को, अपने बच्चों को इस दुनिया से छोड़कर जाने वाला है, रुखसत करने वाला है, अपने लोगों में शामिल होने वाला है, तो वो अपनी औलाद को, अपने बच्चों को ना उम्मीदी में, किसी
दुख की हालत में, किसी मुसीबत की हालत में, या किसी ऐसी गम की हालत में छोड़कर इस दुनिया से रुखसत होना नहीं चाहता। दुनिया में वसीयतें और नसीहतें फर्क होती हैं, लेकिन जब इस शख्स की जिंदगी पर गौर करते हैं, उसकी वसीयत और उसकी नसीहत दौलत, माल और रुपए पैसे की नहीं है, बल्कि उसकी वसीयत और नसीहत किसके मुतालिक है? खुदा ताला के मुतालिक है। वो अपनी औलाद को ना उम्मीदी की हालत में छोड़कर जाना नहीं चाहता, और वो उस इत्मीनान और तसल्ली के पैगाम को अपने बेटे के सपुर्द करता है। और वो क्या कहता है? वो कहता है कि मैं तो मरता हूं, लेकिन खुदावन तुम्हारे साथ होगा, खुदावन तुम्हें याद करेगा। ये है नसीहत, ये है वसीयत। को दौलत, को माल, को रुपया पैसा, को बैंक बैलेंस, को स्टेटस वो अपनी औलाद के सपुर्द नहीं करता, बल्कि एक इत्मीनान, एक तसल्ली, एक उम्मीद की रोशन किरण वो उनके सुपुर्द करके इस दुनिया से रुखसत होना चाहता है कि मैं तो मरता हूं, मैं तो जाता हूं, लेकिन खुदावन तुम्हारे साथ होगा। दुनिया में रहते हुए मेरे अजीजों, बहुत दफा हम, बल्कि कल से हम आपस में बैठे और बहुत से अजीज इस बात का बारहा तस्करा भी हुआ, जिक्र भी हुआ कि बच्चे बहुत छोटे हैं, उनके लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा, आगे चलना बड़ा मुश्किल होगा। कैसे वो आगे बढ़ेंगे? कौन संभालेगा? कौन साथ बनेगा? क्योंकि हम इंसान हैं, और इंसान होते हुए इन बातों को लेकर हम उदास भी होते हैं और परेशान भी होते हैं, घबराते भी हैं कि अब कौन साथ देगा, कौन संभालेगा, कौन थामेगा। लेकिन याद रखें कि दुनिया के शुरू से आज तक कितने ही इंसान आए, कितने ही इंसान चले गए। इसी तरह अपनी बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने खानदानों को, बहुत छोटे बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से चले गए, लेकिन क्या वो खत्म हो गए? क्या वो बर्बाद हो गए? क्या वो तबाह हो गए? ऐसा नहीं है। हमेशा इस बात को याद रखें, जैसे दुआ में पादरी साहब ने भी जिक्र किया, कलाम पाक की उस आयत को उन्होंने कोट किया कि तुम्हारे वालदैन भी तुम्हें छोड़ जाएं, लेकिन मैं तुम्हें हरगिज ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुमसे दस्तबरदार नहीं हूंगा। और खुदावन यीशु मसीह का नाम इमैनुअल है, और इमैनुअल का मतलब ही यह है कि खुदावन तुम्हारे साथ है। और जब याकूब इस जहान से रुखसत होने वाला है, जाने वाला है, तो वो अपने बेटे यूसुफ को पास बुलाता है और कहता है कि मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम परेशान ना होना, ना उम्मीद ना होना और गम ना करना। क्यों गम ना करना? उसकी वजह भी उसने बताई है कि खुदावन तुम्हारे साथ होगा। और यही पैगाम मैं यहां पर मौजूद बच्चों को, इब्राहिम को, दिया को, जिया को, बहन को, उनके भाइयों को, अजीजों को देना चाहता हूं कलामे खुदा में से, कि खुदा अपने लोगों से कभी दस्तबरदार नहीं होता। अगर खुदा एक दर बंद करता है तो 100 दर खोल देता है, अगर एक दरवाजा बंद करता है तो उसके बदले में खुदा हजारों लाखों दरवाजे हमारे लिए खोल देता है। और कलाम पाक को जब पढ़ते हैं तो कलाम पाक हमें यह तसल्ली देता है कि खुदावंद हमेशा हमारे साथ रहता है। और पुराने अहदनामा में याकूब के लिए हम देखते हैं कि वो अपने बेटे को ये नसीहत करता है। जब वो ये नसीहत करता है, ये वसीयत वो यूसुफ को देता है, तो उसकी वजह क्या है? क्यों वो ऐसा कहता है? या कौन सी ऐसी बात है जिसने उसे ये वसीयत और नसीहत अपने बेटे को देने के लिए तैयार किया? जब याकूब की जिंदगी पर हम गौर करते हैं तो खुदावंत के बंदा याकूब की जिंदगी भी आसान नहीं थी, मुश्किलात से और दुखों से, तकालीफ से भरी हुई थी। जब वो जवान होता है, उसकी मां का लगाव उसके साथ है, लेकिन उसके वालिद का दिल किसके साथ लगा है? उसके भाई के साथ। और फिर उसका भाई जब वो बरकत ले लेता है तो उसका भाई उसे मारना चाहता है, और उसकी वालदा चुपके से उसे वहां से निकाल देती है कि तू यहां से चला जा। और 21 वर्ष तक वो अपने वालदैन से, अपने भाई से, अपने अजीजों से, रिश्तेदारों से, नातेदारों से वो दूर रहता है। और फिर जब
वो अपने घर से निकलता है, रास्ते में जब वो अपने सफर में है तो फिर वो खुदा के साथ एक अहद करता है और एक वादा वो खुदा के साथ करता है, एक मन्नत वो खुदा के सामने मानता है। वो क्या कहता है कि जब वो अपने घर से निकलता है, अपने भाई के डर से, अपनी मां से दूर जा रहा है, अपने वालिद से वो दूर जा रहा है, तो वो क्या कहता है कि खुदावन कि तू सलामती से मुझे ले जाए, मुझे खाने के लिए रोटी देता रहे और फिर सलामती से मुझे वापस ले आए, तो फिर यहां पर तेरा घर होगा। वो खुदा के साथ ये वादा करता है और फिर उसने 21 वर्ष तक अपने मामू के यहां खिदमत की। खुदावन ने उसे वहां पर सरफराज किया, उसकी दो बीवियां, दो लौंडियां और उसके 12 बेटे और एक बेटी पैदा हुई। खुदावन ने उसे सरफराज किया, मालदार हो गया, दौलतमंद हो गया और फिर जब वो अपने मामू के यहां से निकलता है तो एक बड़ा कुंभा उसके साथ है। वो गया तो अकेला था लेकिन उस सारे सफर में, उस सारी मुसाफरत में मां साथ नहीं है, वालिद साथ नहीं है, भाई साथ नहीं है। कौन उसके साथ है? हमारा खुदावंद उसके साथ है। अकेला गया था, खाली हाथ गया था लेकिन बहुत कुछ लेकर वो वहां से लौटा और जब उसने खुदा की इस मोहब्बत को, खुदा की इस बरकत को, खुदा की इस परवरदिगारी को, खुदा के रहम को, खुदा के फजल को उसने अपनी जिंदगी में जाना और तजर्बे से जाना और फिर वो जान गया कि खुदा उससे प्यार करता है, खुदा उसे दस्तबरदार नहीं हुआ, खुदा ने उसे तन्हा नहीं छोड़ा, खुदा ने उसे अकेला नहीं छोड़ा, खुदा उसके साथ रहा। और अब जब उसका वक्त आ गया, इस जहान से वो जाने को था, कूच करने को था, इंतकाल करने को था, अपने लोगों में मिलने को था, तो फिर उसने अपने बेटे को अपने पास बुला लिया, यूसुफ से उसने कहा कि मैं तो मरता हूं लेकिन खुदा तुम्हारे साथ होगा। ऐसा उसने इसलिए कहा कि उसने अपनी जिंदगी में खुदावंद के हाथ को, उसके फजल को, उसके रहम को देख लिया कि वो अकेला भी था लेकिन वो खुदा के साथ चलता रहा तो खुदा ने उसे संभाले रखा। और याद रखें कि जब हम भी अपनी जिंदगी में खुदा का हाथ थाम कर उसके साथ चलते रहते हैं तो फिर खुदा किसी भी नेमत को हमसे बाज नहीं रखता, खुदा हमारे सारे कामों को पूरा करता है। मुश्किलात आती हैं, मसाइल आते हैं, परेशानियां और दुख भी आते हैं, हम तन्हा भी होते हैं, हम अकेले भी होते हैं लेकिन खुदा की जात हमेशा हम पर साया की हुए रहती है। जैसे खुदावंत का बंदा दाऊद बादशाह ज़बूर 21 में फरमाता है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमक कहां से आएगी? मेरी कुमक खुदावंत से है। और याद रखें कि खुदावंत ही हमारी कुमक है और वो जब इस जहान से जाने वाला है तो फिर वो अपनी औलाद को, अपने बच्चों को बेयकीनी, ना उम्मीदी, गम, दुख, तकलीफ या परेशानी की हालत में छोड़कर नहीं जा रहा बल्कि एक इत्मीनान का, तसल्ली का खूबसूरत पैगाम अपने बच्चों को देकर जाता है कि खुदावंद तुम्हारे साथ होगा। जैसे मैंने पहले कहा, कोई दौलत, रुपया, पैसा, कोई ऐसी बात उसने नहीं की कि ये तुम ले लेना, ये तुम संभाल लेना, ये तुम्हारा होगा, ये उसका होगा, ये उसमें बांट देना, कोई ऐसी बात उसके मुंह से निकलती हुई हमें नजर नहीं आती क्योंकि वो जानता है कि अगर खुदावंद हमारे साथ है, खुदावंद हमारे पास है तो सब कुछ हमारे पास है। जैसे नए अहदनामे में लिखा है कि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है और जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। अगर खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारी जिंदगी में मौजूद है तो सब कुछ हमारे पास है। और फिर वो इस पैगाम को अपने बच्चों को देकर वो रुखसत करता है। ये हमारे लिए भी सोचने वाली बात है। बहुत से वालदैन, बड़े बुजुर्ग यहां पर बैठे हैं क्योंकि जाना तो हम सबको है, अपनी अपनी बारी पर और अपने अपने वक्त पर। हम अपने औलाद को क्या मिरास देकर जाना चाहते हैं? हम उन्हें क्या नसीहत देकर इस जहान से जाना चाहते हैं? यकीनन आप अपनी जिंदगी पर गौर करें, आपकी जिंदगी में बेशुमार ऐसी गवाहियां आप बयान कर सकते हैं कि खुदावंद ने आपको तन्हा नहीं छोड़ा, अकेला नहीं छोड़ा, उसने आपको संभाला, परवरदिगारी की, जरूरतों को पूरा किया, नेमतें दी, बरकतें दी। आप भी उन बातों का जिक्र अपनी औलाद के साथ कीजिए, उनके साथ बांटिए,
कि खुदा के साथ चलें, खुदा को प्यार करें। आप कभी भी तन्हा नहीं होंगे, आप कभी भी अकेले नहीं होंगे। जैसे मुझे खुदा ने संभाला, बरकत दी, खुदावंद आपके साथ भी होगा और आपको भी संभालेगा। तो पुराने अहदनामा में यकूब के लिए हम देखते हैं कि जब वो इस जहान से जाने वाला है तो वो ना उम्मीदी या गम या दुख की हालत में ना तो खुद जा रहा और ना ही अपने बच्चों या औलाद को कोई ऐसा मैसेज देकर वो इस जहान से जा रहा है, बल्कि क्या मैसेज देता है कि मैं तो मरता हूं लेकिन खुदावन तुम्हारे साथ होगा। और जब नए अहदनामा की हम बात करते हैं, चूंकि हम नए अहद के लोग हैं, पुराने अहदनामा में हमें इत्मीनान और तसल्ली का पैगाम खुदावन के बंदा यकूब की मार्फत नजर आता है। और आगे चलकर यूसुफ भी इसी तरह से अपने बच्चों को, यही 50वां बाब पढ़ें आप तो वहां पर यूसुफ भी अपने बच्चों को ऐसा ही पैगाम देता हुआ नजर आता है, जो उसने अपने वालिद से रिसीव किया, वालिद से पाया, हासिल किया, वही नसीहत और दुआ वो अपने बच्चों को देता है। वो भी कहता है कि जब मैं तो मरता हूं लेकिन खुदावंद तुम्हें याद करेगा, तुम्हारे साथ होगा और तुम्हें यहां से निकाल कर वादा के मुल्क में ले जाएगा। और खुदावंद अपने वादों में सच्चा है। और फिर 430 बरस के बाद खुदावंद उनको वादा के मुल्क में भी ले गया। जब नए अहदनामा की बात करते हैं तो नया अहदनामा हमें क्या पैगाम देता है, नया अहदनामा हमें क्या दर्श देता है, क्या इत्मीनान और तसल्ली वो हमें देता है। यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब, और जब उसकी पहली 3-4 आयात पढ़ते हैं तो वहां पर बहुत ही खूबसूरत, जैसे याकूब उसने अपने बच्चों को पैगाम दिया, यूसुफ उसने अपने बच्चों को पैगाम दिया, बिल्कुल इसी तरह मेरा और आपका निजात दहिंदा खुदावंद यीशु नासरी, यीशु मसीह भी ऐसा ही पैगाम, इत्मीनान और तसल्ली अपने शागिर्दों को, अपने लोगों को देते हुए हमें नजर आते हैं। 14वां बाब पढ़ें और उससे पहले आप 13वां बाब पढ़ें तो उसका जो पस मंजर है, जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने इंतकाल के मुतालिक और अपने जाने के मुतालिक अपने शागिर्दों के साथ उस बात का जिक्र किया तो उस बात को सुनकर उसके शागिर्द घबरा गए, परेशान हो गए, क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, उसके साथ मिलकर वो खिदमत के काम को सरंजाम दे रहे थे। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के बड़े बड़े मोजज़ात को, बड़े बड़े कामों को देखा, लेकिन अब जब उन्हें इल्म हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह उनका मालिक, उनका शाफी, उनका उस्ताद, उनका रबी उनके साथ नहीं होगा, तो उस बात को सुनकर वो परेशान हो गए, उदास हुए। तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने क्या पैगाम देकर उनकी उस परेशानी को, उस नाउम्मीदी को दूर किया। यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब उसकी पहली आयत पढ़ें तो खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, बिल्कुल उसी तरह पुराने अहदनामा में जैसे याकूब ने यूसुफ को बुलाया और उसे कहा कि मैं तो मरता हूं, खुदावंद तुम्हारे साथ होगा, और उन अल्फाज में यही मतलब छुपा हुआ है जैसे यीशु मसीह ने पहली आयत में फरमाया कि तुम्हारा दिल ना घबराए, बिल्कुल इसी तरह याकूब ने भी जब यूसुफ को बुलाया होगा तो इसी तरह ही कहा होगा, उदास ना होना, परेशान ना होना, घबराना मत, खुदावंद तुम्हारे साथ होगा। और यहां पर यीशु मसीह ने भी यही फरमाया अपने शागिर्दों से कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कहते हैं कि तुम्हारा दिल ना घबराए। जैसे आज हम भी इंसान होते हुए कमजोरी की हालत में घबराते भी हैं, उदास भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, यह वाजिब है, लेकिन कलाम यह भी सिखाता है कि हमारा गम औरों की मानिंद ना हो, जो ना उम्मीद है गम ना करो, हमारा गम, हमारा उदास होना, हमारी घबराहट औरों की मानिंद ना हो, कुल वक्ति ना हो, झुस वक्ति हो, क्योंकि हमारी जिंदा उम्मीद कौन है, खुदावन यीशु मसीह है। उसने कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। जैसे शागिर्दों ने यीशु मसीह से कहा कि तेरे पीछे चल रहे हैं हमें क्या मिलेगा, तो खुदावन ने कहा कि तुम्हें आसमान पर क्या मिलेगा, खजाना मिलेगा,
हमेशा की जिंदगी के वारिस हो गए। इसलिए यीशु ने कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। फिर वो क्यों ऐसा कहते हैं कि तुम्हारा दिल ना घबराए, लिखा है कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, थोड़े नहीं, ज्यादा नहीं, बल्कि क्या लिखा है, बहुत से। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। क्यों वो कहता है कि तुम्हारा दिल ना घबराए? उसने फरमाया क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। यह किस कदर खुशबख्ती की बात है कि वो मुकाम जिस जगह पर एक रोज हमें भी पहुंचना है, जहां पर हमें भी जाना है, हमारा निजात दहिंदा, हमारा बचाने वाला, हमारा मालिक, हमारा उस्ताद, हमारा दोस्त, हमारा भाई, हमारा साथी हमसे पहले वहां पर मौजूद है। इस जिंदगी में रहते हुए भी हम बहुत दफा इस बात को देखते हैं कि अगर किसी मुकाम या किसी जगह पर किसी ने पहुंचना हो, किसी बड़ी शख्सियत ने अगर जाना हो, तो उसके वहां पर जाने से पहले एक टीम को रवाना किया जाता है। और टीम का मकसद क्या होता है कि जिस जगह पर वो शख्सियत क्याम करेगी, ठहरेगी, रुकेगी, उस जगह को क्या करे, तैयार करे, फिर वो शख्सियत जब वहां पर पहुंच जाती है, वो बड़ा शख्स कोई भी हो वहां पर पहुंचता है, तो उसके वहां पर जाने से पहले ही सब कुछ क्या होता है, तैयार होता है। तो मेरे अजीजो, ये है हमारी जिंदा उम्मीद। इसी वजह से यीशु ने कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं जाता हूं ताकि जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। हमारा निजात दहिंदा यीशु नासरी हमसे पहले वहां पर मौजूद है, हमें वेलकम करने के लिए, खुशामदीद कहने के लिए वो वहां पर मौजूद है। और मत्ती की झील में भी ये लिखा है कि ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, मेरे पास आओ और उस बादशाहत को मिरास मिलो जो बनाए आलम से तुम्हारे वास्ते तैयार की गई है। उसको तैयार करने वाला कौन है? हमारा खुदावंद। वो हमसे पहले वहां पर मौजूद है और उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए हम एक रोज उस मुकाम, उस जगह और उस बादशाही में पहुंचेंगे। इसलिए जब शागिर्द उदास हुए, परेशान हुए और उन्हें लगा कि हम अकेले रह जाएंगे, हम तन्हा रह जाएंगे, कौन हमें संभालेगा, कौन हमारे साथ होगा, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। खुदावंद यीशु मसीह हमसे पहले वहां पर मौजूद है और उस जगह को हमारे लिए तैयार किया है। जैसे जबूर 16 में हम गाते भी हैं कि था है मिणया गया मेरे वास्ते जेड़ा, ओ है जगह सोनी, सुथरा हिस्सा मेरा। और वो ऐसा सुथरा हिस्सा है जिसे कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए। योहन्ना की झील में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जो कोई मेरे पास आ जाएगा मैं उसे हरगिज निकाल ना दूंगा। इसलिए उसने कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए। और कलामे पाक में यह लिखा है कि जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं होता। इसलिए यीशु ने कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए। जब हम यीशु के साथ चलते हैं तो फिर मेरे अजीजो ये पैगाम हम सब के लिए है कि तुम्हारा दिल ना घबराए। फिर तीसरी आयत में उन्होंने फरमाया कि अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि किसी बड़ी शख्सियत के वहां पर जाने से पहले कुछ लोगों को रवाना किया जाता है, जो सारे प्लेटफॉर्म को तैयार करते हैं ताकि वहां पर वो शख्सियत आकर बराजमा हो सके, बैठ सके, क्याम कर सके, ठहर सके। और कोई भी वो टीम जो वहां पर पहुंच जाती है, फिर वो वापस जाकर उस बड़ी शख्सियत को अपने साथ लेने नहीं आते, बल्कि वो वहां बैठकर क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। लेकिन यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा
कि मैं जाता हूं ताकि जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और जगह तैयार कर लेने के बाद यीशु मसीह वहां पर ठहरे नहीं रहेंगे, वो क्या कहते हैं, मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। इसलिए उन्होंने फरमाया कि तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं जाऊंगा तैयार करूंगा और फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। इसलिए यीशु ने कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए। और आखिरी बात जो इस आयत में है वो कहते हैं कि जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे, जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे। और एक रोज आएगा कि हम भी खुदावंत के साथ उस अब्दी जलाल में दाखिल होंगे, उस हमेशा की जिंदगी में दाखिल होंगे, ऐसी जिंदगी जिसे कोई छीन नहीं सकता, जिसका कोई एंड नहीं है, जिसका कोई आखिर नहीं है। ये ज़मीनी ज़िंदगी मेरे अज़ीज़ों चंद रोज़ा है, और इसको कलाम मुकद्दस में मुख्तलिफ इशारों के साथ बयान किया गया है। कभी इंसान की ज़िंदगी को बुलबुले की मानिंद कहा गया है, कभी उसे थोड़े दिनों का बयान किया गया है, कभी उसे घास की तरह तशबीह दी गई है, कभी उसे घास के फूल की तरह कहा गया है। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि ये चंद रोज़ा है, ख़त्म होने वाली है, मिट जाने वाली है। लेकिन वो ज़िंदगी जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखने के बायस हमें मिलती है, वो ऐसी ज़िंदगी है जिसका कोई भी आखिर नहीं है, जिसका कोई एंड नहीं है, कोई इख्तिताम नहीं है, और हम हमेशा खुदावंद के साथ ज़िंदा रहेंगे और उसकी बादशाही में उसके साथ बादशाही करेंगे। कलामे मुकद्दस में से मेरे अज़ीज़ों हमने आज की सुबह इस बात को जाना और सीखा कि जब कोई शख्स, कोई भाई, कोई बहन, कोई बुज़ुर्ग वो इस दुनिया से जाता है, इंतकाल करता है, रहलत करता है, कूच करता है, इंसान होते हुए गम करना वाजिब है, लेकिन कलाम ये तसल्ली देता है कि उसका ख़ानदान, वो घराना इस बात का इत्मीनान और तसल्ली रखे कि दुनिया उसे छोड़ जाए लेकिन खुदावंद उसके साथ होगा। और यीशु मसीह ने ये फरमाया भी अपने शागिर्दों से कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तक ये दुनिया ख़त्म नहीं हो जाएगी, खुदावंद अपने लोगों के साथ है। बच्चों से, अजीज़ों से, खुदावंद का खादम होते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि खुदावंद हमेशा आपके साथ है। खुदा के साथ चलते रहिए, उसमें मजबूत रहिए, उसके इरफान में बढ़ें, दुआ में ठहरें, कलाम को पढ़ें। और ज़बूर की किताब में लिखा है कि खुदावंद उन सब के नज़दीक है जो उससे क्या करते हैं, दुआ करते हैं, बल्कि उन सब के जो कैसे दुआ करते हैं, सच्चाई से दुआ करते हैं। दुआ में ठहरें, खुदावंद आपको इत्मीनान भी देगा, तसल्ली भी देगा, और खुदावंद के साथ बने रहिए और कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर कीजिए। खुदावंद हमेशा आपको संभाले रखेगा। ये ज़िंदा उम्मीद हर एक मसीही ईमानदार के लिए है, जैसे यकूब ने अपनी औलाद को यह पैगाम दिया और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लोगों को यह पैगाम दिया कि तुम्हारा दिल ना घबराए। खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। कलामे मुकद्दस में हमें जिंदा उम्मीद नजर आती है, कामिल इत्मीनान और तसल्ली नजर आती है। तो भी जब हम इस दुनिया में हैं, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, उस मकसद को भी पहचानने की जरूरत है। खुदा दस्तबरदार नहीं होता, खुदा तन्हा नहीं छोड़ता, खुदा अकेला नहीं छोड़ता, खुदा सब कुछ देता है, मुहैया करता है। कलाम में लिखा है कि वो अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है और वक्त पर उन्हें उनकी खुराक देता है। खुदा सब कुछ करता है, लेकिन हमने क्या करना है, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, उस मकसद को पहचानने की भी जरूरत है। अगर हम उस मकसद को अपनी जिंदगी में पूरा करेंगे तो ये जो आज का पैगाम और कलाम है इत्मीनान और तसल्ली का, ये फिर हमारी जिंदगी के लिए बरकत का बायस भी होगा। वाइस की किताब पढ़ें, उसका आखिरी बाब, उसकी आखिरी आयत, ये हम सब के लिए पैगाम है। वहां पर क्या लिखा है कि अब सब कुछ सुनाया गया हासिल कलाम ये है, इत्मीनान भी है, तसल्ली भी है, उम्मीद भी है, परवरदिगारी भी है, उसका रहम भी है, तर्स भी है, फजल भी है। तो भी हमें क्या करना है, या हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? वाइस की किताब में लिखा है कि अब सब कुछ सुनाया गया हासिल कलाम ये है, खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान, के इंसान का फर्ज कुल्ली यही है। मेरे जीजो, यही हमारी जिंदगी का मकसद है कि हम खुदा से डरें और उसके हुक्मों पर अमल करें। क्यों? आगे लिखा है आखिरी हिस्सा में कि खुदा हर एक बात को, खा वो
भली है खा वो बुरी है, कहां लाएगा? अदालत में लाएगा। सो खुदावंद कलाम की इन बातों के वसीला से हमें बरकत दे और हमें इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को खुदावंद के हुजूर में बंद करें और इस कलाम पर जिसे हमने सुना गौर करें। खुदावंद से दरख्वास्त करेंगे कि खुदावंद हम भी अपनी ज़िंदगी ईमान में गुजारने वाले हों। खुदावंद से दुआ करेंगे कि खुदावंद हमें अपने कलाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस दुआ के लिए मेरी दरख्वास्त है, हमारे दरमियान आरिफ आला से पास्टर साकब साहब मौजूद हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो सामने तशरीफ़ लाएँ, घराना की तसली उत्मीनान के लिए इसी तरह इस कलाम के लिए जो पेश किया गया दुआ करने में रहनुमाई करें। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदाम की हजूरी को महसूस करेंगे। कदूस बुजुर्ग अजीम लश्कर कराब, आसमानी पिता, तू जो था जो है जो आने वाला और कहर करने में धीम है, तू जो शफकत में गनी है बाप, हम इस वक्त लम्हा और घड़ी के लिए तेरी शुक्र गुजारी करते और इन तमाम अजीज़ों कारब के लिए, तमाम जिंदगियों के लिए खुदाम जिनको तेरे बेटे यसु के नाम से भला और चंगा पाया और जिनको तू सही और सलामत अपने घर में लेकर आया। खुदा उन पा खुदा हम तेरी शुक्र गुजारी करते और खुदा उन पा खुदा अपने बुजुर्ग के लिए, खुदा उन पा खुदा तेरे बेटे के लिए, शफीक के लिए जिसको तूने खुदा उन पा खुदा उसके वक्त मुकर्रा पर जब उसकी मियाद और हद को खुदा तूने ठहरा दिया और जो वक़्त पूरा हुआ तो तूने आवाज़ देकर उसे अपने पास बुला लिया, हम उसकी लाइफ के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए तेरी शुक्र गुजारी करते और आज के तेरे मैसर और ज़िंदा और ज़िंदगी बख्श पाक कलाम के लिए जो तेरे खादम ने खुदा उन पा खुदा बयान किया, उस खूबसूरत पैगाम के लिए, तेरी आवाज़ के लिए हम तेरी शुक्र गुजारी करते खुदा उन पा खुदा, और इस कलाम के वसीला से खुदा उन पा खुदा बच्चों के लिए खुदा उन पा खुदा उनकी मिसिस के लिए तुझसे, उनके ख़ानदान के लिए तुझसे खुदा उन तसल्ली तशफ़ी और इत्मीनान की दुआ करते हैं खुदा उन पा खुदा। और इसी तरह जब आज तेरे पाक कलाम में से सीखा है खुदा उन पा खुदा कि जब याकूब उसका वक़्त पूरा हुआ और वो करीबुल मर्ग था तो खुदावन पा खुदा उसने अपने बेटों को, अपनी औलाद को दुआ दी कि खुदावन तुम्हारे साथ है, और जब तेरे बेटे हमारे खुदावन यसर मसीह नासरी का वक़्त जाने का, कूच करने का इस दुनिया से आया तो उसने अपने शागिर्दों से, अपने बिलीवर से कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान और मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। सो खुदावन पा खुदा तेरा कवि कुदरत वाला दाहना हाथ खुदावन पा खुदा बशफीक के पूरे घराने पर बढ़ा रहे खुदावन पा खुदा, और इसी तरह खुदावन पा खुदा इस सारे खाने के इंतज़ाम को जो खुदावन उन्होंने किया उस पर तेरी बरकत को चाहते खुदावन पा खुदा, इसके वजह खुदावन पा खुदा इस घराने को बरकत दे खुदावन, जिस तरह सही और सलामत आए हैं खुदावन पा खुदा, जब तमाम अजीज़ दोबारा अपने घरों को जाते हैं तो सही और सलामत खुदावन पा खुदा अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचे और तेरे बेटे यसु के नाम को धन्यवाद करने वाले बने। ए बाप, तेरे बेटे यसु के कदूस कादर और बुजुर्ग नाम से जो कुछ मांगा सो ही पाया है, आमीन। शुक्रिया पादी साहब। अभी हम इस इबादत के बिल्कुल आखिरी हिस्सा में हैं, लेकिन इससे पहले कि इख्तितामी दुआ खुदा उनके खादम करें और कलमाए बरकात से आपको रुखसत करें, एक दुनियावी दस्तूर है कि जब घर में बड़ा बेटा होता है और वालिद दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो घर के दूसरे जो बड़े अफराद हैं, जैसे भाई शफीक के भाई हैं, वो उसके ऊपर ज़िम्मेदारियां डालते हैं कि अब से वो अपने घर को संभालेगा। हम शुक्रगुजार हैं अपनी बहन शबनम के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए, वो अपने शौहर की गैर मौजूदगी में अपने ख़ानदान को चलाएँगी, खुदावंद उन्हें तौफीक दे और हम उनके लिए दुआ गो भी हैं। लेकिन जैसा दुनिया में दस्तूर है कि मर्द जो हैं वो दुनियावी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, इससे पहले किस रस्म को अदा किया जाए मैं यहाँ पर तमाम अजीज़ों को बताना चाहता हूँ और बिलखसूस अब्राहम को, जिसके सर पर आज जिम्मेदारियों की पगड़ी रखी जाएगी या उसके सर पर इस जिम्मेदारी को रखा जाएगा और उसे इस ख़ानदान का बड़ा उसके बाप के दुनिया से जाने के बाद बनाया जाता है। तो अब्राहम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ज़िम्मेदारी आपके ख़ानदान के लिए, जो आपके वालिद का ख़ानदान है उनके लिए है। ये सब जो आज आपको ये ज़िम्मेदारी देंगे ये आपके बड़े हैं, आप हमेशा इनसे अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए और अपनी बहनों के लिए, अपनी माँ के लिए रहनुमाई हासिल करते रहें। ये आपके बड़े हैं, आप इन सारी ज़िम्मेदारियों को अपने ख़ानदान के लिए अदा करेंगे। तो मैं दरख्वास्त करूँगा भाई सदीक से, भाई शौकत से, एल्डर तुकी साहब से जो
सबसे बड़े हैं इनके, और जैसे अभी अल्ट साहब बता रहे थे कि भाई शफीक उन्हें अपने बाप का दर्जा देते थे, तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो इस दुनियावी जिम्मेदारी को पूरा करें। ये वक्त मुश्किल वक्त होता है, कठिन वक्त होता है, लेकिन हम खुदावंद के घर में मौजूद हैं। मेरी दरख्वास्त है कि जब ये जिम्मेदारी इस बच्चे को आज खुदावंद के घर में दी जा रही है, दी जाती है, तो हम सब ये अहद भी इस जगह पर बैठ के करें कि हम इस बच्चे का साथ देंगे। मैं उसके ताए चचा जो हैं या जितने भी रिश्तेदार यहाँ पर आएंगे ख़ानदान के बुजुर्ग, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि ज़रूर सिर्फ पगड़ी रखना ज़रूरी नहीं बल्कि उसकी रहनुमाई करना भी ज़रूरी है ताकि वो अपने ख़ानदान के सारे कामों को और ज़िम्मेदारियों को पूरा कर सके। जी जैसा कि आप जानते हैं कि मास्टर अरशद साहब, भाई अरशद साहब वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, तो उनकी गैर मौजूदगी में उनकी मिसेज हमारी बहन मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो उनकी गैर मौजूदगी में अपने शोहर की जानिब से यहाँ पर आएँ। एडवोकेट की साहब और इसी तरह दूसरे भाई वो सामने आए। अब्राहम आप कुर्सी पर बैठेंगे और बाकी सब लोग इस ज़िम्मेदारी को पूरा करेंगे। जब ये ज़िम्मेदारी पूरी कर लेंगे तो मेरी दरख्वास्त है कि आप सब लोग इस जगह पर खड़े रहेंगे। खुदावंद के खादम आली जनाब पादरी पीटर इमरान साहब वो इस बेटे के लिए और इन सारी जिम्मेदारियों के लिए जो आज उसे सौंपी जाती हैं दुआ करेंगे, उसके बाद दुआ अरबानी और कलमाते बरकत के साथ वो इस इबादत को इख्तिताम पज़ीर भी करेंगे। बराए मेहरबानी पीछे जितने भी लोग बैठे हैं खामोशी इख्तियार करें, हम बिल्कुल आखिरी हिस्सा में हैं। मेरी दरख्वास्त है ख़ानदान के बुज़ुर्गों से वो हौसले के साथ और बड़ी तसल्ली के साथ इस ज़िम्मेदारी को पूरा करें ताकि अब्राहम अपनी माँ को, अपनी बहनों को और उन सारी जिम्मेदारियों को जो उसके वालिद की थी वो पूरा कर सके। अब्राहम की उम्र छोटी है लेकिन जब जिम्मेदारियाँ आती हैं तो खुदावंद खुदा इसके लिए फ़जल भी बख्शता है और खुदावंद खुदा उसके लिए हिकमत भी बख्शता है। तो आपसे दरख्वास्त है कि ख़ानदान के अफराद इस दुनियावी रस्म को अदा करें, उसके बाद आली जनाब पादरी पीटर साहब इस ख़ानदान के लिए, अब्राहम के ख़ानदान के लिए खुदावंद से बरकत की दुआ करेंगे। ठीक है भाई साहब, दुआ करेंगे खानदान के लोग करेंगे। हाँ जी भाई साहब दुआ करेंगे, अभी कर लेंगे उसके बाद फिर दुआ करेंगे। इससे पेशतर के हम खुदावंद के हजूर दुआ मांगें और बिलखसूस ये कपड़ा, ये मेरे जीजो देखने में तो महज कपड़ा है जिसको पगड़ी के तौर पर या जिम्मेदारी के तौर पर आज हमारे भाई शफीक की जगह उसके बेटे के सर पर रखा जाएगा, लेकिन इस कपड़े का बोझ इतना ज़्यादा है जो आज अब्राहम के सर पर और इसके कंधों पर आने वाला है कि इतना बड़ा बोझ ये बयान से बाहर है। लेकिन जैसा भी पादरी साहब ने फरमाया कि अब्राहम तो अभी बच्चा ही है, अभी लड़का ही है, तो मेरे जीजो ये बोझ तभी उठा सकेगा जब आप इसका बोझ इसके वालिद भाई शफीक की तरह इससे बांटेंगे। अगर आप इसको शफीक का बेटा समझेंगे तो ये बोझ इससे उठाया नहीं जाएगा। अगर वाकई ही आज आप इसके सर पर यह पगड़ी रखकर इसको अपने भाई का दर्जा देंगे और इसका बोझ, इसके खानदान का बोझ इसके साथ जिस तरह इसके वालिद शफीक के साथ बांटते थे वैसे ही बांटेंगे, तो तब मेरे जीजो ये इस लोड को, इस बोझ को उठाने के काबिल हो सकेगा। सो आइए इस कपड़े को खुदावंद के हजूर लाएं और इसके लिए दुआ मांगें कि खुदावंद हमारे भाई शफीक के बेटे को हिम्मत, ताकत और कुव्वत अता फरमाए और उसके भाइयों को भी तसल्ली, इत्मीनान और सब्र के साथ साथ हिम्मत, ताकत और कुव्वत अता फरमाए कि वो इस ख़ानदान का बोझ अब मिलकर उठा सकें। दुआ मांगें। ए जलाल के बादशाह तेरे सामने झुकते
और तेरे ही नाम को मुबारक कहते हैं क्योंकि तू भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है और तेरी वफादारी भी पुश्त दर पुश्त कायम और दायम रहती है। आए खुदा बाप इस वक्त इस पूरे ख़ानदान के लिए जो देख आए बाप तेरी हजूर इसलिए जमा है कि जब तूने अपने वक्ते मुकर्रा पर अपने बंदा हमारे भाई शफीक को अपने पास वापस बुला लिया, तो आए खुदा बाप वो जगह जो इस ख़ानदान में खाली हुई उस जगह को आए खुदा बाप उसके बेटे को दिया जाता है कि वो अपने वालिद की जगह पर होकर अपने खानदान की सरबराही कर सके और भाइयों में वो बराबर गिना जा सके। आए खुदा बाप ये कपड़ा जो पगड़ी के तौर पर जिम्मेदारी की निशानी है आज आए खुदा बाप भाई शफीक के साहबजादे उसके बेटे अब्राहम को दी जाती है। आए खुदा बाप तेरे पाक कलाम में लिखा है कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बांधा जाएगा और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खोला जाएगा। आए खुदा बाप जब इस कपड़े की पगड़ी बांधकर आए खुदा बाप इस बेटे के सर पर जिम्मेदारी के तौर पर रखी जाती है, इस निशानी इस अहद के तौर पर और इस गवाही के तौर पर कि ये खानदान के भाई, ये खानदान के बुजुर्ग, इस खानदान के बड़े अब शफीक की जगह अब्राहम को अपना भाई मानते और मानेंगे, तो आए खुदा बाप तेरे हजूर इल्तिजा करता हूं ये अहद आज जो तेरे हजूर तेरे घर में तेरी जमायत और इस खानदान के रूबरू आपस में बांधा जाता है ता अबद कायम और दायम रहे। आए खुदा बाप बेटे अब्राहम के लिए मिन्नत करता हूं हिकमत दानिश और फहम अता फरमाना, वो हिकमत जो तूने आए खुदा बाप इसके बाप को अता कर रखी थी इसे भी अता फरमाना, वो शफकत वो मोहब्बत जो आए खुदा बाप अब्राहम का बाप शफीक अपने भाइयों के साथ और अपने खानदान में रखता था वो इसे अता फरमाना, वो रुतबा वो रोब जो आए खुदा बाप इसका वालिद रखता था आज ये भी रखे। आए खुदा बाप तेरे जुल इल्तिजा करता हूं इस रस्म के लिए कि आए खुदा बाप तेरा रहमत वाला हाथ बेटे अब्राहम की तरफ बढ़े इसके खानदान की तरफ बढ़ा रहे, दुआ मांगते हैं तेरे बेटे मसीह के नाम का वास्ता देकर आमीन। सो मेरी गुजारिश है कि खानदान के सरबराहान ये आप देख रहे होंगे कि अमूमन एक पगड़ी लाई जाती है लेकिन यहां पर दो पगड़ियां हैं, वो इसलिए कि एक तो भाई शफीक के खानदान की जिम्मेदारी भी अब अब्राहम के कंधों पर और इसके सर पर होगी और दूसरी भाई शफीक के भाइयों और उनके ख़ानदान की तरफ से भी जो भाइयों में शमूलियत की पगड़ी है वो भी इसके सर पर रखी जाएगी क्योंकि इसके ख़ानदान के जो बुज़ुर्ग हैं बड़े हैं उन्होंने ये मुनासिब जाना कि अब ये जिम्मेदारी भी अब्राहम ही को निभानी पड़ेगी और पूरी करनी पड़ेगी। सो मेरी गुजारिश है ख़ानदान के बुज़ुर्ग वो इसके सर पर यह पगड़ी बांध कर रखें। ये तो इब्राहिम अपने घर की जिम्मेदारियां जो थी जो इसका बाप निभाता था जबकि अपना वक्त पूरा करके चला गया है, अब ये दुनिया का दस्तूर है कि उसका बड़ा बेटा ही उसकी जगह लेता है। हमारे ख़ानदान में एक और रवायत भी है कि हमने हमारे दादा के सात बेटे थे, हमारे वालदैन जो थे वो सात भाई थे, जब वो इस दुनिया से रुखसत हो गए तो हमने अपने भाइयों को उस जगह पर जहां हमारे बाप थे उस जगह पर खड़ा किया, जब वो चले गए तो हमने उनके बच्चों को आगे ले आए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आसफ मेरे बड़े भाई बशीर साहब के बेटे हैं, ये हमारे भाई की हैसियत है, इसको हम अपना भाई समझते हैं। आश्चर्य इधर हमारा भतीजा है, ये भी हमारे भाईजान का बड़ा बेटा है सबसे, ये हमारा भाई है, अब ये हमारा भतीजा नहीं रहा बल्कि ये हमारा भाई है, और इसी तरह ये हमारा भाई शहजाद है, ये हमारे भाई अरशाद का बेटा है जो मेरे रिश्ते में तायाजी लगते थे, ये उनका बेटा है, ये भी अब हमारा भतीजा नहीं है, ये हमारा भाई है, हम इसको भाई की हैसियत देते हैं, और इसी तरह
ये हमारा भाई, ये नदीम, ये हमारा भतीजा है, ये भाई सादक का बेटा है, लेकिन ये भतीजा नहीं है, ये हमारा भाई है। और इसी तरह ये हमारे चाचा सरदार साहब का बेटा, जो जैसे शफीक साहब में प्यारा था ना, इसी तरह चाचा सरदार भी साहब में प्यारा था, और ये उसका बेटा है, ये भी हमारा भाई है, और ये इस, ये भाइयों की जगह है, ये भाई है। और इसी तरह हम, ये साकब है, मेरे से छोटे भाई का बेटा है, लेकिन ये हमारा भाई है। अब ये भाइयों की हैसियत रखता है, और जो फैसले हैं वो भाई करते हैं, तो इसलिए हम भतीजे नहीं कहते, हम भाई कहते हैं। और इसी तरह ये हमारी बहन है, जो हमारा भाई इस वक्त नहीं आया, जो हमारे हर मामले में भी वो हमारे साथ शाना बशाना होता है। हमारी दुआ है कि खुदावंद से जल्द से इत्याब करे, और वो अपने कदमों पर उठकर इस घर में आए और वो गवाही दे सके। इसी तरह ये मेरा भाई है, ये चाचा सरदार, चाचे आशिक साहब के बेटे, ये शफीक और सदीक, और ये शौकत और भाई अरशद, ये हमारे चाचा जी के बेटे हैं, लेकिन हमने कभी अलग नहीं समझा, हम अपने भाई इसी तरह समझते हैं कि जैसे ये बुज़ुर्ग उम्मा की वो औलाद थी जिसमें महंगा, बरकत, सरदार, आशिक, ये लोग पैदा हुए हैं, हम भी उसी तरह हैं, हम एक ही बाप के बेटे हैं, और हम सब भाई हैं। और इसी तरह देखें, ये मेरा भाई आशर है, जैसे ये मेरा भाई, ये आसफ जो भतीजे हैं, लेकिन हम उन्हें भतीजे नहीं भाई कहते हैं। इसी तरह आज हम अपने इस बेटे को, जो रिश्ते में हमारा भतीजा है, लेकिन आज से ये भी हमारा भाई है, ये हम सब भाई इस वक्त इसके सर पर अपनी तरफ से पगड़ी बांधते हैं कि हम अपने भाई के साथ हैं। आओ नासर, तुसी आओ, नदीम तुसी आओ, साकब तुसी बनो, बाजी तुसी आओगे। माइक दो बेटा, आंख ले ले, वो खोल ले। और इसी तरह जो बहनें हैं हमारी, हम बहनों के घरों में भी, उनके साथ भी हमारा सलूक या हमारी प्यार और मोहब्बत कम नहीं। सबसे पहले मैं अपने भाई नमाज को आपके सामने उसका भी बताना चाहूँगा कि वो हमारा, हमारी बड़ी बहन का शौहर था, तो वो हमारे ताया जी महंगा, जो उनकी बड़ी बेटी का शौहर था, और इस कदर था कि सारी जितनी उनकी सालियाँ थी वो उसे बहुत प्यार करती थी, और इतना मजाक और इतना उनके साथ मेल जोल था उनका कि वो बहुत खुश थे। और इसी तरह फिर हम भाईजान गिल साहब को याद करते हैं, जो चिश्तियाँ से थे, वो इंतहाई शफीक इंसान और कम बोलने वाले शख्स थे, और मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी। और फिर इसी तरह हम सब को याद करते हुए, हम इस वक्त जो हमारे दरमियान मौजूद हैं भाई दाद,
ये हमारी सबसे छोटी बहन नीफा किशोर है, इनके लिए ये है कि हम जब भी देखें ये हमारे साथ शाना बशाना खड़े होते हैं और हमेशा हमारे साथ भाइयों की तरह रहते हैं। हम शुक्रगुजार हैं अपने बहन भाइयों के भी, अपनी बहनों के भी, और फिर अपने दामाद अपने बहन भाइयों के भी जो इस बात को या हमारी मोहब्बत को महसूस करते हैं। और वो इसी तरह सब जितने भी हमारे दामाद हमारे बहन भाई थे वो सभी हमसे बहुत प्यार करते थे, हम सब के साथ हमारी बड़ी मोहब्बत थी। लेकिन अब जबकि हमारे साथ हमारे भाई मौजूद हैं हम इनके साथ भी ऐसी मोहब्बत करते हैं, सब लोग इनके साथ प्यार करते हैं और बेटियां अभी इनके साथ बड़ा बैठकर वो बातें करती हैं खेलती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि खुदावंद का शुक्र है कि हमारा घराना जो खुदावंद के अंदर मोहब्बत और प्यार रखता है, हम खुदावंद से इल्तिजा करते हैं कि खुदावंद तू हमारे ख़ानदान को इसी तरह अपनी मोहब्बत और प्यार में बढ़ने के फजल अता करना। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ रखें। खुदावंद खुदा का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि आज मेरे भाई को हमने उसके सिर के ऊपर पगड़ी रखी है। हमें अपने चाचा जी के जाने का दुख बहुत ज़्यादा है, ये दुख कम नहीं है हमारे लिए, लेकिन मेरा भाई आज जैसे हमने उसको भाई माना है, मेरे चाचा जी के रूबरू और हम हर तरीके से उसके साथ मोहब्बत प्यार हर दुख सुख में उसके साथ हो गए। लेकिन जो मेरे हमारे डॉक्टर साहब हैं, हमें जिस तरह उन्होंने एक परों के नीचे छुपाया हुआ है, मैं कहता हूँ हर हमारे काम के ऊपर हर जगह पे ये इनका ही हाथ है, इनका फजल है। ख़ास करके कहता हूँ कि जितनी भी बात करते हैं हमारे लिए बहुत हमें समझाते हैं, जब हम कोई गलती करें तो वो भी हमें बताते हैं बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो। मैं डॉक्टर साहब के लिए बहुत ही अच्छे लफ्ज़ हमारे ख़ानदान को जैसे उन्होंने जोड़ा हुआ है, मैं कहता हूँ उनका मैं जितना हम शुक्रिया भाई करें उतना ही कम से कम है। डॉक्टर साहब के लिए हम दुआ करते हैं खुदावंद इसको हमारे ऊपर इस तरह पार इनके हमारे ऊपर रखे, हम इनकी छतरी के नीचे रहें, खुदावंद इनको हमारे लिए इस तरह चलने की मोहब्बत की पैदा करें। लेकिन हमारा आज गम बहुत ज़्यादा है, मेरा चाचू था लेकिन मेरे जैसे ऐसे हमें डांटता था जैसे मेरे वालिद ने मुझे डांटा है, मेरी माँ ने मुझे डांटा है, लेकिन इतना प्यार करने वाला था मैं उसके आज ना मुझसे बयान नहीं किया जाता। जी तशरीफ रखिए। खुदावंद के पाक कलाम में से, पुराने अहदनामा में से इमसाल की किताब उसका तीसरा बाब और सिर्फ 10 आयात अब्राहम खास तौर पर आपके लिए तलावत की जा रही हैं। हर एक लफज हर एक आयत को आज ध्यान से सुनना और हमेशा इनको याद रखना, क्योंकि खुदाबंद का कलाम ये फरमाता है, ऐ मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि इनसे तू उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो तू उनको अपने गले का तौक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना, यूं तू खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत और अकलमंदी हासिल करेगा। सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर, अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर, ये तेरी नाफ की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी होगी। अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताजीम कर, यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज नई मह से लबरेज होंगे। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। खुदावंद का खादम होते हुए खुदावंद के कलाम में से ये नसीहत की चंद आयात इसीलिए तलावत की गई हैं ताकि हमारा बेटा हमारा बच्चा अब्राहम ये अपने ख़ानदान की
بہتر طور پر نگہداشت، نگہبانی اور کفالت کر سکے۔ آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور اختتامی دعا میں شریک ہوں۔ اے جلال کے بادشاہ، تیرے سامنے جھکتے تیرے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ یہ تیرا ہی ٹھہرایا ہوا انتظام اور نظام ہے کہ ہر ایک جان جو اس دنیا میں پیدا ہوتی ہے اس کی زندگی کی حد تیری پاک مرضی سے مقرر کی ہوئی ہے، اور کوئی انسان اے خدا باپ اس حد سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ خواہ وہ اس دنیا میں کتنا ہی کام کرے، کتنی ہی علم حاصل کرے، کتنی ترقی کرے، خواہ وہ بادشاہ ہو، خواہ وہ اس دنیا میں کوئی بھی مرتبہ اور رتبہ ہو، اے خدا باپ بالآخر اسے لوٹ کر تیرے پاس واپس ہی جانا ہوتا ہے، جس طرح ہمارا بھائی شفیق تیرے پاس واپس لوٹ گیا۔ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اس کی زندگی کے ایام اتنے ہی تھے جو اس نے اس دنیا میں بسر کر لیے، اور جب اس کی زندگی کی حد جو تیری طرف سے ٹھہرائی گئی تھی پوری ہو گئی تو وہ تیرے پاس واپس چلا گیا۔ اے خدا باپ، اس کے خاندان کے لیے تیرا صبر جمیل مانگ لیتا، حقیقی اطمینان جو تسلی اور بیان سے بالکل باہر ہے اور صرف تو ہی انسان کو عطا کر سکتا ہے۔ اے خدا باپ، ہمارا جمع ہونا، ایک دوسرے کو تسلی دینا، تسلی کی باتیں کرنا، یہ محض عارضی ہیں، لیکن حقیقی اطمینان تو صرف تیرے ہی پاس ہے۔ اے خدا باپ، اس کی اولاد کے لیے، اپنی بہن، اس کی زوجہ کے لیے مانگتا، اے خدا باپ تو ہی اپنا رحمت والا ہاتھ بڑھا، کیونکہ تو ہی زخم لگاتا اور تو ہی مرہم لگاتا ہے، جیسا تیرا پاک کلام فرماتا ہے کہ تو نے دیا تو نے واپس لے لیا، تیرا ہی نام مبارک ٹھہرے۔ اے خدا باپ، اس خاندان کو جو اس وقت بھاری غم اور صدمے سے دوچار ہے، اے خدا باپ تو ہمیں یہ تسلی عطا فرمانا کہ یہ تیرا ہی انتظام ہے، اور ہم سب کو بھی اپنی اپنی باری پر اپنے بھائی شفیق کی طرح تیرے پاس واپس لوٹنا ہے۔ اے باپ، تیرے زور التجا کرتا ہوں اس کے بیٹے ابراہم کے لیے، اے خدا باپ حکمت، دانش اور فہم سے معمور کرنا، دنیاوی اے خدا باپ ضروریات کو اپنے بیٹے یسوع نام کے وسیلہ سے پورا کرنا، اس خاندان کے لیے نئے راستوں کو کھولنا۔ اے خدا باپ، ان کی حفاظت اور نگہبانی، ان کی روح جان بدن کی حفاظت اور نگہبانی اے خدا باپ تو کرنا۔ اے خدا باپ، نگہبان فرشتوں کا پہرا اس کے خاندان کو عطا فرمانا، دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمانا۔ تمام عزیز و قارب جو غم کو بانٹنے کے لیے اس خاندان کے ساتھ جمع ہیں، اے خدا باپ التجا کرتا ہوں جب اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہوں تو تیری حفاظت، تیری نگہبانی ان زندگیوں پر، ان کی روح جان بدن پر ہمیشہ ہمیشہ جاری اور ساری رہے۔ دعا مانگتے ہیں تیرے بیٹے مسیح کے نام کا واسطہ دے کر، آمین۔ جس نے ہمیں سکھایا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے تمہارے قرض ہم معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خدا من یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت کل ایمانداروں کے ساتھ، حاضر جماعت کے ساتھ، غمزدہ خاندان کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتا رہے، آمین۔ جلال باپ، بیٹے اور القدس کے نام میں۔